ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? ये मामूली मार नहीं है, कौन मार रहा है? झूठ क्यों बोला? बताओ। पीछा छुड़ाना था इसीलिए। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? अगर मान लो कोई असली गुंडा होता और वो मेरी सुपारी लेकर अगर मुझे अंधा कर देता या फिर मेरे हाथ पैर तोड़ देता, फिर तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाता क्या? अच्छा तो मेरी मौत पर तुम हंसना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। फिर तुमने क्या सोचा था, बोलो। वो यहाँ देखो, यहाँ देखो। ए, मेरी आंखों में देखो और अब अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुम्हें तंग करने वाला लगता हूँ? नहीं लगते। मैं क्या तुम्हें इतना बुरा इंसान लगता हूँ? नहीं लगते। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चा प्यार दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। मेरे लिए तुम्हारे दिल में एहसास जग रहे हैं? हाँ, जग रहा है। तो फिर तुम कुछ कहना चाहोगी? हमको छोड़ दीजिए, हमको घर जाना है अभी। लगता है तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। जाओ घर जाकर आराम करो। जाओ 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 जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार का दिखावा कर रहा हूँ? तुमसे मेरा लव एट फर्स्ट साइट है। मुझे दर्द हो रहा है। तुम अपना हाथ तो छुड़ा लोगी, लेकिन अपने प्यार को मेरे दिल से कैसे अलग करोगी? एक बार बस प्यार का इजहार कर दो, आखिरी सांस तक हाथ नहीं छोड़ूंगा।
ये मर गया, अब डरो मत। क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ रहती हो? ए? भाई मार दू। अरे ए, ए, अंजलि क्या हुआ? अरे बोलो क्या हुआ? हमको मार दे। अंजलि शांत हो जा। मार देंगे। अंजलि शांत हो जा। अंजलि कूल डाउन। कुछ नहीं हुआ। अंजलि मेरी बात सुनो। मार देंगे। मार देंगे। बचा लो। साहब एक बार हम लोग तय किए हैं कि आप ही हमारे तरफ से चुनाव लड़ेंगे। अगर आप हाँ कहेंगे तो हम लोग हाई कमान को बता देंगे। वो लड़का इसी इलाके का है, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए, वो भी जल्दी से जल्दी। दरअसल हम लोगों ने जेपी को टिकट देके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाईकमान से कहकर इस बार हम आपको चुनना चाहते हैं। बस एक बार आप हाँ बोल दीजिए, हम लोग हाईकमान से बात कर लेंगे। सर हम लोग है ना आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। का हुआ बिटुआ? राधे को मारते समय हमें वो लड़की को देखे थे, हम उससे शादी करना चाहते हैं माँ। का सच में? चलो इसी बहाने तुम शादी के लिए मान तो गए। हे भगवान तुम हमारी मनोकामना पूरी कर दिए पांडा। वैसे वो देखने में कैसी है? सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, एकदम आपके तरह सुंदर है माँ। बहुत ही खुश नसीब है वो लड़की जो तुमको पसंद आ गई। हाँ अब तुम वो लड़की का डिटेल अच्छे से पता करो, का नाम है, का करती है, कहाँ रहती है। हाँ तो तुम क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भैया। मेरी नौकरी अमेरिका में लग गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अमेरिका जाने से पहले मेरी शादी हो जाए। वैसे इनकी घर वाले भी तैयार हैं भैया। और पापा? पापा तो लव मैरिज के खिलाफ हैं, वो नहीं मानेंगे। और फिर भी तुमने प्यार कर लिया? तुम हो ना भैया। पहले से मुसीबत कम थी क्या जो तुमने और बढ़ा दी? कोई बात नहीं, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों की शादी कैसे करनी है मुझ पर छोड़ दो, मैं इसका भाई हूँ, मेरे भी कुछ फर्ज हैं। तुम दोनों फिक्र मत करो। कैसे कराइएगा शादी? मुझ पर छोड़ दो, तुम दोनों की शादी पापा की मर्जी से होगी, ये मेरा वादा है। कैसे करवाएंगे? आपका नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं, फिर कैसे होगा? करेक्ट, हम उनके गुस्से का फायदा उठाएंगे। माँ 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 जी माँ जी माँ। अरे तू अभी क्यों आया है? चले जा बेटा, तेरे पापा घर पर है। पूजा घर पर है, उसे बुलाओ माँ। हुआ पूजा? क्या है? अरे माँ ये जग्गू। नमस्ते, क्या कर रहा है? बड़ा भोला है, थोड़ा बताओ, ज्यादा करने लगता है। पूजा दिख नहीं रही? पूजा भैया चुप चुप चुप। नमस्ते। अरे वो तेरी नहीं मेरी बहन है, शांत हो जा। तुम्हारी बहन? मेरी बहन। अरे वाह क्या बात है, इसे कहते हैं दूल्हा। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, पूजा के लिए एकदम सही है। तेरे पापा आ गए। मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता लाया हूँ। मेरी बहन घर पे कुंवारी बैठी है, और उससे भी बुरी बात ये है कि किसी को इसकी चिंता ही नहीं है। लेकिन माँ मैं हूँ, माँ मैं भले ही तुम्हारा बेटा नहीं रहा, लेकिन मैं पूजा का भाई तो हूँ, इसीलिए मैं इसके लिए रिश्ता लेकर आया हूँ अपनी बहन के लिए। मेरे भाई, चुप हो जाओ। मत कर, तुम यही सोच रही हो ना कि दूल्हा कौन है? ये रहा दूल्हा। हमें तलवे नहीं चाटते हैं, तरीके से अपनी तारीफ कर। आई एम जग्गू जग्गा राव, एम ए एफ आर सी एस एम ए बी आई आई एन एस। तुम्हारी डिग्री तुम्हारी हाइट से ज्यादा है। माँ जी अभी हम काम करते हैं मलेरिया डिपार्टमेंट में, फिनाइल सेक्शन में, तनख्वाह ज्यादा नहीं है, महीने का 3,000 वेतन मिलता है, ऊपर की कमाई से काम चलता है। जेब भी चेक करता है ये? कभी कभार जेब चेक करता हूँ। कैसा लगा लड़के का बायोडाटा? ये 2.5 फुटिया है लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है। क्या कर रहे हो? भले सिंगल पसली है लेकिन प्यार बहुत करेगा। तुम जानते नहीं हो हमको, हम भले सिंगल पसली है लेकिन फैमिली के लिए करेंगे। दूल्हा हो तो ऐसा। हम अपनी फैमिली के लिए घर का सारा काम करूंगा। हमारे दुनिया में आते हैं, आजा आजा। देखा कितनी लगी है पूजा, घर वालों के मसले से भी फुर्सत। राज करेगी अपने ससुराल में, अब देर किस बात की? हाँ कर दो। क्या सोच रही है? वो काला है पर दिल वाला है, और वैसे भी इस घर का दामाद कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं मिलने वाला, और ना ही कोई ऐसा दामाद मिलेगा जो अमेरिका में सेटल हो। इम्पॉसिबल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे ऐसे काम चला लो, चिराग लेकर ढूंढने से भी ऐसा हीरा नहीं मिलेगा। इसे दामाद बना लो, इसे घर से निकाल दोगे तो भी ये लड़का बुरा नहीं मानेगा, इसलिए जाओ जाकर बात कर लो। सही कह रहा हूँ? लेडीज लोगों से हम बात नहीं करते, हम घर के गार्जियन से बात। ये ख्याल दिल से निकाल दे वरना तेरे सर पर जो बाल है वो गायब हो जाएगा। टेंशन मत लो,
हम सब संभाल लेंगे। अरे मेरा बाप हिटलर है। अरे हमको बात तो करने दो। समझा रहा हूँ। मैं ससुर जी से मिल के आता हूँ। तुमको हमारा टैलेंट के बारे में पता नहीं है। साइड प्लीज लेडीज। अंकल 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 हाय अंकल आई एम जग्गू। ओके आपसे मिलकर खुशी हुई। लगता है आपको खुशी नहीं हुई। व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी। एकदम लल्लन टॉप। आपके फोटो पर माला चढ़ाकर पूजा करने को दिल करता है। आई एम सॉरी मतलब आपकी फोटो की पूजा करने का मन करता है। आपकी बेटी हमको पसंद है। आप जल्दी से हाँ कर दीजिए। हमारे जैसा दामाद को आप खोजने निकलेंगे ना तो पूरी दुनिया में हमारे जैसा बकलोल दामाद कहीं नहीं मिलेगा। ओ ऐसे कहे देख रहे हैं। इतना हैंडसम दामाद देख के शौक लग गया। हमको पता है शौक लगा। और सुनिए हमको दहेज नहीं चाहिए। हमको तो सिर्फ दो जोड़ी में दुल्हन चाहिए। शादी में हमरे सिवा कोई नहीं आएगा। हम अकेले ही काफी हैं। आप भी किसी को मत बुलाइए। रजिस्टर मैरिज मतलब सस्ते में शादी हो जाएगी और सस्ते होटल में खाना खा लेंगे। ज्यादा खर्चा नहीं होगा। किसी को बुलाने का झंझट नहीं होगा। देखिए हमारे जैसा अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा आपको। सही कहा ना। अरे आप बहुत लकी है मैन। जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर कन्यादान कर दीजिए। समझ गए। मेक इट फास्ट। डू इट फास्ट मैन। ओ आप बहुत भाग्यशाली। मर गया। अरे छोड़ो। अरे अरे बचाओ बचाओ। अरे बाप रे मार डालेंगे। अरे भैया हमको बचाओ। हम कहा बताएं मैडम। हमारी हड्डी का भूसा बना दिया है जल्लाद। अरे बाप रे कहा देख रही है। अरे चलिए। और ना ही कोई ऐसा दामाद मिलेगा जो अमेरिका में सेटल हो। इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे ऐसी से काम चला लो। एक को पार्ट सही नहीं है। बाप रे। हे भगवान इंसान है कि जल्लाद है पता नहीं। ऐसा हालत में हमारा कोई मदद भी नहीं कर रहा है। कोई मदद नहीं कर रहा। हे भगवान। एक्सक्यूज मी मैनेजर कहाँ है। एक्सक्यूज मी सर। यस। ये क्या हुआ आपको। अरे पापी हड्डी पसली तोड़ के पूछता है क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ जी। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो हड्डी पसली टूट गई। लेकिन चेहरे पर ये घूंघट क्यों। वो आज सोमवार का व्रत रखते हैं ना तो सोमवार को हम किसी को चेहरा नहीं दिखाते हैं। ये रहा मेरी बेटी का फोटो और बायोडाटा। प्लीज कोई अच्छा सा लड़का देखिए इसके लिए। गोल्डन रिश्ता देखता हूँ सर। मुझे कोई राजकुमार नहीं चाहिए। लड़के का खानदान अच्छा हो और लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। पता है हमको पहले से पता है। आपको कैसे पता चला। बात ऐसा है कि आजकल के पिता अपने बेटी के रिश्ते के लिए डॉक्टर इंजीनियर ही देखते हैं और नहीं तो अमेरिका जर्मनी में सेटल लड़का देखते हैं। इसीलिए आपकी फीस कितनी है। जितना डॉक्टर का फीस है। डॉक्टर फीस मतलब। हमारा मतलब है कि मैरिज का फीस क्या होगा। आप जो देंगे हम रख लेंगे। नहीं देंगे तो भी चलेगा। आपकी आवाज सुनी सुनी लग रही है। वो कहा है कि हम मिमिक्री भी करते हैं ना इसीलिए हमारी आवाज जो है वरुण धवन अक्षय कुमार रणवीर सिंह सलमान खान इन सब से मिलती जुलती है। अच्छी बात है। ये रही आपकी फीस। अरे सर इसकी क्या जरूरत है। काम होने पर दे दीजिएगा। बिना जान पहचान के मुझ पर इतना भरोसा। क्या मुझे जानते हैं। मैं कुछ नहीं जानता सर। देखिए सर। सर मैं अपनी इकलौती बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहता हूँ। लेकिन लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए। अगर कोई गलत रिश्ता करवाया तो मैं आपको कोर्ट तक ले जा सकता हूँ। आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। आप जाइए आपके लिए अच्छा रिश्ता देखूंगा। आप जाइए सर चिंता मत कीजिए। अरे जाइए। भगवान मार डालेगा। कैसा है। अरे बाप रे कौन है कौन है कौन है कौन। क्या हाल है जेको। और कैसा आऊंगा। तुम्हारे बाप ने भरता बना दिया। मैंने तुझे मना किया था ना। हाँ। लेकिन तू ही बेचैन हो रहा था। पिताजी ने अपने हाथों की खुजली मिटा ली तुझे पीट कर। आग दोनों तरफ लगी थी। अब हिसाब बराबर हो गया। चल जो अब ध्यान से मेरी बात सुन। जल्दी से मेरा एक काम कर दे। तेरा मैं एहसान मंद रहूंगा। ये देख ये वही लड़का है जिससे मेरी बहन प्यार करती है। लड़के के पापा से मेरे पापा की मीटिंग फिक्स कर दे बस। अब तो मैं सीधा ऊपर जाऊंगा। नमस्ते सर। बैठ जा। नौकरी कब गई थी आपकी। 2 साल हो गए सर। जॉन बॉस आपको बाहर किया था। कल जाके उसी के कुर्सी पर बैठना। चले तेरा ऑफर लेटर। सर ये सपना है कि सच्चाई है। अगर कोई सपना है तो वो भी बता दो। वो भी पूरा कर देंगे। ये घर भाड़े का है। अपना घर हो जाता तो। ये ले तेरे लिए डुप्लेक्स घर। जा और ऐश कर। डुप्लेक्स घर। सर मुझे लगा घर के लिए लोन देंगे लेकिन आप तो घर ही दे दिए। अच्छा आप लोग किसी स्कैम में हमको नहीं फंसाएंगे ना। अरे आम खाओ गुटलियां मत गिनो वरना आम के साथ साथ पेट भी काट दिया जाएगा। समझे ना सर। बिना जान पहचान के इतना बड़ा एहसान। हमको आपकी बहन से शादी करना है। लगता है भाई की बात सुन के इसे सदमा पहुंच गया है तभी ऐसा कर रहा है। सर हमको रिश्ता मंजूर है। लगा नहीं था ये इतना जल्दी मान जाएगा। प्रभुदेवा की तरह नाच रहा था ये।
लगता है सालों से इसी चमत्कार का इंतजार कर रहा था ये। शादी का मुहूर्त कब निकालें? वो सब हमारी माँ बात करेगी। हाँ। शादी होने तक आपकी बहन हमारी अमानत बनकर आपके पास रहेगी। ठीक है। अंजलि कहाँ है? सहेली के साथ फिल्म देखने गई है, अब आती होगी। आप उससे कुछ मत कहिएगा। हाँ। हम खुद उससे मिलके अपने प्यार का इजहार करेंगे। ओ समय का इशारा कर रही थी तू? एक बात का ध्यान रखना, ये बात को अंजलि को मत बताना, नहीं तो तुमको भी मार डालेगा, हमको भी मार डालेगा, समझ गई? मैं कोशिश करूंगा। आप आइएगा तब भी हम सगाई करेंगे, समझे? क्या जिद है, पापा को जानती हो ना, अगर मैं सगाई में आ गया ना तो तेरी शादी रुक जाएगी। हम सगाई नहीं करेंगे। है, ये क्या पागलपन है, दोबारा ऐसी बकवास मत करना। कितने पापड़ बेले हैं मैंने इस शादी के लिए और अब मना कर रही है। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? ये एक्टिंग यहाँ नहीं चलेगा, जाकर कहीं और दिखाइएगा। आपके बगैर हम सगाई नहीं करेंगे, देख लीजिएगा। पूजा, पूजा बिल भर के आ जा। भाई, हेलो गज्जू, अरे तुम्हारी आवाज नहीं आई, क्या कह रहा है भाई? भाई भाई भाई, सॉरी भाई। हेलो, उसे जाने मत देना, उसने ही मुझे मारा था। क्या कहे? मेरे भैया आएंगे ना? अरे वाह पूजा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, कांग्रेट्स। भैया कहाँ हैं? हमें नहीं पता, कोई जानता है कहाँ है अशोक? बिना भैया के तुम लोगों को किसने बुलाया? अच्छा? क्या कहा? खाने की तैयारी होगी? बंदोबस्त अच्छा किया है, तुम अंदर जाकर देखो। जी सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या हुआ बेटा? हाँ वो मेरा फ्रेंड आने वाला था। अरे वो आना। अंकल ये मेरा बेस्ट फ्रेंड अशोक, ये मेरे ससुर जी हैं। ठीक है, अंदर ले आओ। आओ। जजमान बताइए, बेटी के विवाह का मुहूर्त कब का निकालूं? कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देख लीजिए। ठीक है। शुभ शशिघ्रम पुण्यम यशस्यम आयुष्यम तिलकम मे प्रसीदतु। नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, चलते हैं। अच्छा अच्छा, चलो। अच्छा हुआ सब कुछ अच्छे से निपट गया। सुनो, मेरे कहने पर तुम यहाँ आए, अच्छा लगा। लेकिन वो यहाँ क्यों आया? मैंने तुम्हें अकेले बुलाया। वो असल में अंकल लड़के ने। जानता हूँ उसे यहाँ किसने बुलाया, जबकि तुम जानते हो मुझे उसका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात अपने दोस्त को अच्छी तरह से समझा दो, मुझे इसकी सूरत कभी नहीं देखनी। अंकल, मैंने अपनी बेटी की वजह से इसे आज यहां से नहीं निकाला, लेकिन शादी में इसे जरूर बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये मर चुका है। सिर्फ इसकी वजह से मेरी मां की जान चली गई, और अगर ये इस घर में आना चाहता है तो ये मरने के बाद ही संभव है, उससे पहले नहीं। सॉरी भैया, इसे मेरे जिद के कारण हुआ, हमको माफ कर दीजिए। सॉरी भैया, हमको माफ कर दीजिए भैया। अंकल तुमसे नफरत क्यों करते हैं? गलती मेरी है अंजलि, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और एक छोटी सी घटना ने हम दोनों के बीच दरार डाल दी, और दरार ऐसी पड़ी जो आज तक नहीं भरी। ये बात बहुत पुरानी है, जब कुछ लोगों ने बिना वजह के मेरे दोस्त राज को मारा था। राज को क्यों मारा? वाह,
क्या गजब का फिगर है रे, मजा आ गया। लड़कियों की फोटो खींचे, लड़कियों की फोटो खींचे। अरे वो क्या बात है, क्या कड़क फिगर है। ए शेखर, क्या कर रहा है, बिना पूछे लड़कियों की फोटो क्यों निकाल रहा है। ए भाषण मत दे, इन लड़कियों की फोटो एडिट करके नेट पे अपलोड करने से पैसे मिलते हैं, वो भी बहुत सारे पैसे। नेट पे लड़कियों की फोटो अपलोड करेगा। चल मैं तेरी लड़की पिक कर रहा हूँ, निकाल निकाल। नहीं नहीं निकाल पैंट, दे मुझे इसे। वो लड़की क्या तेरी बहन लगती है जो मेरा फोन उठाकर पानी में फेंक दिया। चल बता मुझे। तू राज को मारेगा, राज को मारेगा। अशोक छोड़ दे, शांत हो जा, शांत हो जा। इसे मैं अशोक छोड़ मुझे। तूने आज मुझे मारा है, इसका अंजाम तुझे भारी पड़ेगा। अबे जा भाग यहां से। अशोक सुन मेरी बात यार, छोड़ दे उसे। तुझे क्या लगा अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो क्या करता, इन्हें मारने के लिए कहता। हाँ मैं मारता इसे। प्लीज अशोक कूल, आज त्योहार का दिन है, घर पर सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज कूल डाउन प्लीज। अरे बाप रे बाप, अरे त्योहार के दिन तो शैम्पू कर लिया कर, तू तो आज भी बच्चे की ही तरह। मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। माँ क्या कर रही, आग में लग रहा है। बड़ा हो गया है। रुक तुझे तेरा बचपन याद दिलाती हूँ। आया तेरा बचपन याद। मां रहने दे, मैं खुद कर सकता हूँ। चुपचाप से बैठ जा, मैं कर रही हूँ ना। ए रुक जा, कहाँ था अब तक। वो मैं अपने दोस्त से मिलने विजयनगर गया। झूठ मत बोल, सच बता कहाँ गया था और उसे क्यों मारा। अभी अभी तो मारा, इतनी जल्दी इन्हें पता चल गया। पापा तो 5G से भी तेज निकले। सच बता क्यों मारा तूने, बता। उसने मना करने पर भी गलती की, इसीलिए। साई ने मुझे बताया किस तरह धुलाई की तूने उसकी। साई की, उसे तो काफी पहले धोया था, आज तो मैंने शेखर की धुलाई की। क्या कहा, मतलब तूने आज किसी और की धुलाई की। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो साई की ही बात कर रहा था। उलझाओ मत, सच सच बताओ क्या हुआ। उसने क्या किया उसे पता है। मुझे नहीं जानना उसने क्या किया, तूने उसे मारा कि नहीं। हाँ मारा मारा, उसकी गलती सुनकर। अगर आप भी होते तो मारते। मैं किसी पर हाथ नहीं उठाता, कोई कितनी भी गलती करे मैं उसे नहीं मारता, उसे सजा देने के लिए पुलिस है। अरे अरे त्योहार के दिन भी लड़ना जरूरी है क्या, आज तो छोड़ दो बेटा। प्लीज आप बीच में मत बोलिए, आप देख रही है ना मैं बात कर रहा हूँ। आखिर तुम कब सुधरोगे। हाँ बचपन में लड़ाई की, कॉलेज में लड़ाई की, जेल भी जाकर आ गए, फिर भी तुम नहीं सुधरे। हमारी फैमिली में कोई आज तक जेल नहीं गया। अपने पिताजी को भूल गए, वो भी तो कभी जेल गए थे। उनकी बात अलग है, वो क्रांतिकारी थे। वो कौनो क्रांतिकारी नहीं थे, हम रावण जैसे झगड़ा हुआ और वो जेल पहुंच गए। ठीक है ठीक है, बिगाड़ दीजिए इसे। अरे बस भी करो, बच्चा है। बेटा मैं तुम्हें सजा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम अपने मुकाम पर पहुँचो। ये झगड़ा तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर सकता है, तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। अरे बस भी करो, चल तू किनारे हट। बेटा तो इसकी बातों पर ध्यान मत देना, जब भी कोई गलत करे उसे छोड़ना मत। चलो चलिए ना पापा, क्या कर रहे हो आप लोग। मुझे बचाओ इनसे। जल्दी जल्दी आइए। ए ड्राइव फास्ट, जल्दी चलाओ। अशोक क्या हुआ। पापा एक बेटा जल्दी आना। देख शेखर आज कोई लफड़ा नहीं, जाने दे मुझे प्लीज यार। ए क्या हुआ अशोक, बड़ा हीरो बन रहा था, इन सबको देख के डर गया क्या। ये देखो अब मार के दिखा इन सबको। ए मेरी दादी सीरियस है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है प्लीज यार। ए सब मतदान की गायब हो गई क्या। आज लफड़े मत कर यार, मुझे जाने दे। ए बिल्कुल चुप, क्या हुआ। कुछ नहीं पापा कुछ नहीं। अरे पापा कुछ नहीं, क्या हो गया। सुबह कुत्ते की तरह इसने मेरी धुलाई की थी, अब मैं इसकी बहुत अच्छे से धुलाई करूंगा। देखो सुबह जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी, मेरी माँ बहुत सीरियस है, हमें जाने दीजिए। हम लोगों की धुलाई भी बहुत सीरियस है, क्यों भाई। देखिए इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। पापा ए तो चुप रह, चुप रह। देख बेटा मैं माफी मांगता हूँ। इसके बदले तू मार खाएगा। हाँ क्यों खाएगा, बोल। अशोक हे हे अशोक अशोक माँ, हे माँ मर जाएगी। पापा को बुलाओ माँ जी। अशोक ये हे माँ मर जाएगी। हे माँ जी ठीक हो जाएगी। हे
सॉरी सर, अगर आप 15 मिनट पहले आते तो हम लोग इन्हें बचा सकते थे। रुक जा, चला जा यहां से, निकल जा। तेरी माँ को छूने की कोशिश मत करना। कितनी बार कहा सुधर जा, आज तेरी वजह से मेरी माँ गुजर गई। पापा, मैं पापा नहीं हूं तेरा, और ना ही तू मेरा बेटा है। चला जा यहां से। हाँ, अगर तू यहाँ रहा तो अपनी बहन, अपनी माँ सबको मार डालेगा। आज से तू मेरे लिए मर गया। जा यहाँ से। नहीं पापा। जा यहाँ से। जा। एक बात सुन ले तो मेरी। आज से तू हमारे लिए मर गया। सुनिए। जा यहाँ से। तुम चुप रहो सुधा। आज से ये हमारा कोई नहीं। नहीं। मर गया ये। मर गया हमारे लिए। मर गया। चलो। इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना ही अंकल की। फिर भी पता नहीं पापा ने मुझे फैमिली से क्यों अलग कर दिया। मैं पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनका प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे पापा भी एकदम तुम्हारी तरह ही गुस्से वाले हैं, इसीलिए हमको लगता है वो तुमको अपना लेंगे। थोड़ा समय दो अशोक, देखना वो तुमको एक दिन जरूर समझेंगे। हमको यकीन है एक दिन वो दिन जरूर आएगा। इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स अंजलि। वही है जिसने मुझे मारा था भाई। भाई वो उसकी माशुका है भाई, ये देखिए दोनों की फोटो। भाई वो दोनों एक दूसरे को किस भी करो। वो भाभी है तेरी, जब से नाम ले। कहाँ गए वो? तुम लोग उस तरफ जाओ और तुम लोग इस तरफ। चलो जाओ, जल्दी ढूंढो उसे। बताओ। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता सर, उसके बारे में तो आप बता रहे हैं तो ही मुझे पता चल रहा है। इतने बड़े होकर अपनी बहन को नहीं संभाल सकते भाई? उसके बारे में पता चल गया, हमारे आदमी उसको ढूंढ रहे हैं। वो एक मोटर मैकेनिक है, वो अपने 4 दोस्तों के साथ रहता है। उसका नाम है अशोक। अशोक, अशोक उसे ऐसी मौत दो कि अंजलि की तरफ दोबारा आंख उठा के देखने की हिम्मत किसी की भी ना हो। अंजलि सिर्फ मेरी है, जो भी बीच में आएगा मरेगा। इसको अपनी गाड़ी में बैठाओ। अरे रे, मर गया। अब बाप।
भाई हमें बचा लो अशोक से। क्या, कहाँ पर है वो? वो कबूतर खाने के पास। यहाँ पर सबको लेकर आ जाओ भाई। एक एक की छुट्टी कर दूंगा। ए, चल रहे सबको लेकर जल्दी आना, नहीं तो वो हम सबको मार देगा। रुक जा, अभी आता हूँ। अरे वो अपने आदमियों को मार रहा है, चलो जल्दी जाना होगा हमें वहाँ। सबको लेकर जल्दी आओ यहाँ पर। ठीक है भाई, सबको मार दिया उसने। छोड़ना मत उसे। रुको। क्या सोच के आया था और क्या हो रहा है? मगर डरने की बात नहीं है, मेरे साथ मेरे आदमी है। भाई गंजू भाई को बचाओ, अशोक आज उसको मार डालेगा। छोटू आगे खोल, छोटू आगे खोल। ए ठीक तो है ना? नहीं भैया।
पीछे हटो, ए पीछे हटो। हमको ब्लैकमेल कर रहा है, हमको बम दिखा के यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा है का? तुमरा ये को बम से खाली मुट्ठी भर लोग मरेगा, एए! बाकी का लोग तुमरा टुकड़ा टुकड़ा करके कुत्ता को खिला देगा। अगर मर्द का बच्चा है तो फेंक ही बम। चारों तरफ क्या नजारा है देखकर तो मजा आ गया। काश मैं इस मंजर का सीधा लाइव टेलीकास्ट देख पाता। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, तुम आ गए क्या? यही सोच रहा था कि मीडिया वाले कहाँ रह गए, न्यूज चाहिए ना। खबर को सुन ही लेते, ये तबाही कैसी है। रिकॉर्ड करो। यस सर। अगले इलेक्शन में जीतने के लिए के पूरी कोशिश कर रहा है। हमें यह खबर विपक्षी दल से मिली कि एक लड़के ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया और अब वो बहुत ही चिंता में है और उसने केके के आदमियों और उसके भाई को ऐसा मारा कि उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ। ये कोई पॉलिटिकल नहीं पर्सनल रंजिश लगती है, ये उस लड़के ने अकेले किया है। लड़के ने अकेले किया? एक मिनट, एक अकेले इंसान ने केके की फौज को धूल चटा दी है। पहली बार केके को शहर में कोई मर्द मिला है, सबको धाराशाही कर दिया। अब तो केके की रेपुटेशन पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई, केके का पॉलिटिकल करियर तबाह हो गया। बताइए अब केके क्या करेगा सर? क्या केके? अब तो वो उसको मारने के लिए किसी कोने में बैठकर प्लानिंग कर रहा होगा। अरे आप मीडिया वाले कुछ समझते क्यों नहीं हो यार, केके का नामो निशान तो मतलब हाँ मिट गया, वो लड़का तो बारूद का ढेर है। अब आगे क्या होगा सर? अब क्या होगा, अब देखो केके तो ऐसे तो शांत नहीं बैठने वाला है, लेकिन वो लड़का भी मामूली इंसान नहीं है। फिर आप लोग आगे क्या करेंगे सर? हम तो अपनी ड्यूटी करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। पूरा शहर कब्रिस्तान बन जाएगा सर। बिल्कुल बन जाएगा। फिर हम लोग एक काम करेंगे, सारी लाशों को इकट्ठा करके उनको चला देंगे और जितने बचे हुए गुंडे हैं वो सब जेल में जाएंगे, क्योंकि इससे हम जैसे पुलिस वालों पर लोगों का भरोसा बना रहेगा। देखना आप सब लोग देखना, केके को दुनिया के सामने वो नंगा करके मारने वाला है। सॉरी कुछ ज्यादा बोल दिया, खबर मिल गई ना? अगर मैंने जाने अनजाने में केके के बारे में कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। अच्छा मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ। थैंक यू। अशोक, तूने छोटू को अकेला क्यों छोड़ दिया? उसके पास मेरे दोस्त है, लेकिन तू इस तरह पब्लिक में मत घूम। तेरे और केके के झगड़े की बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई है। ए, केके अब क्या करेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है यार, आगे क्या करेंगे हम? आइसक्रीम खाएगा? आजा, मैंगो है भाई। हाँ सर। ए,
मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुझे आइसक्रीम की पड़ी है? आइसक्रीम खाएगा दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे सुन तो सही, सुन, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। केके कोई मामूली इंसान नहीं है, पूरे शहर में उसकी तूती बोलती है। और उसके भाई को तूने कुत्ते की तरह मारा है, वो तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझसे बदला लेके ही रहेगा वो। क्या डॉक्टर ने छोटू को घर ले जाने की परमिशन? हाँ दे दी है। ये बॉल कितने के हैं? सारे बॉल। अरे ये बॉल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उस हादसे के बाद छोटू बहुत उदास है। अगर हम उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे तो उसे अच्छा लगेगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अरे अशोक तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? देख अशोक मेरी बात सुन, तू कुछ दिनों के लिए शहर से दूर चला जा। और उसके बाद क्या करूंगा? अरे उसके बाद तो सब कुछ मैं बताता हूँ। वो मुझे मार देगा, मुझ तक जो भी आएगा उसका अंजाम वैसा ही होगा। ए, दिमाग खराब है क्या तेरा? तुझे छोड़ेगा नहीं, उसके आदमी हर तरफ तुझे खोज रहे हैं। ऐसा क्या घूर रहा है मुझे? मारेगा, मारना मारना। ये दवा लेकर छोटू के पास जा। तू भी चल। के बैठिए ना माजी, बैठिए। शायद आप मुझे नहीं जानते माजी, मेरा नाम अशोक है। गलती करने पर मैंने ही आपके बेटे गच्चू को मारा था, क्योंकि उसकी गलती थी। आपका बेटा उसी वजह से मुझे मारना चाहता है। उसे पता है कि मैं खतरनाक हूँ, फिर भी अपने पिल्ले बार बार मुझे मारने के लिए भेजता रहता है वो। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों के दिमाग में भूसा भरा है। माजी आप इसे समझाती क्यों नहीं? तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मैं जानता हूँ और मुझे आपका पावर भी पता है। अब तक आपको कोई भी जवाब देने वाला नहीं मिला होगा। मुझे पता है सभी आपके डर से कांपते हैं, लेकिन शायद आप लोग मेरे बारे में ठीक से जानते नहीं हैं माजी। शायद ही मुझे कोई जानता होगा, लेकिन जिसने भी आज तक इस अशोक से मार खाई है ना, वो फिर कभी बिस्तर से नहीं उठा। देखिए माजी, मैं ये लड़ाई झगड़ा मारपीट बिल्कुल नहीं करना चाहता। सबकी भलाई इसी में है कि इसे यहीं खत्म कर दें। और अगर मुझे मारना ही है तो जान हथेली पर रखकर घूमो जैसे मैं घूमता हूँ।
सीना चौड़ा करके एक गोली में खत्म। और अगर बच गया तो आपके बेटे को कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने बेटे से कहो कि वो मुझसे दूर रहे, नहीं तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। चलता हूं। अब तुम मरने खातिर तैयार हो जाओ। तेरी तरह मरने के डर से मैं झुंड में नहीं घुमा करता, समझा? तेरा भाई हॉस्पिटल में है, यहां गोली चलते ही वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। चला, गोली चला, चला ना। तेरे मारने से मैं नहीं मरने वाला, ऊपर से 100 साल की उम्र लिखवा के लाया हूँ। ए, चाको राखे साइया तो मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके जो जग पैरी होए, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुका है, हॉस्पिटल में है भाई, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है? हाँ भाई, यहाँ सब ठीक है। फिर अशोक जन बकवास कर रहा था भाई, वो हमको चुना लगा गया। मुझे बात करनी ही होगी, समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब कुछ। भाई 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 सुनिए तो, कल जब वो हमें पीट रहा था तो आप कहाँ थे? जब से हमारी पिटाई हुई है इस शहर से हमारी दहशत कम हो गई है भाई, गर्दन शर्म से झुक गई है मेरी आपकी वजह से, इज्जत मिट्टी में मिल गई है मेरी। जब वो आपके भाई को मार रहा था तब क्या आप गुलछर्रे उड़ा रहे थे? उस अकेले ने आपकी इज्जत का मटिया पलित कर दिया है, आज उसने आपके भाई को मारा है, कल आपका भी नंबर आएगा, लोग आप पर थूकेंगे तो क्या जवाब दोगे उनको? जवाब देना है तो उसे ऐसी मौत देनी होगी कि उसकी 100 पुश्तें भी याद रखे। उसे नहीं मारोगे तो वो आपकी माँ को भी मार सकता है, याद रखना। लोगों के दिल में दहशत पैदा करने के लिए सालों लगते हैं, अगर वही दहशत कायम रखनी है तो तुम्हें उसे मारना होगा। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना? हाँ, अपने अंदर की आग को बाहर निकालो, हाँ, और जला दो, चला दो, दुश्मन को जला के खाक कर दो, चला दो उसे। इसने तो मुझ पे ही आग निकाल दी, समझ में नहीं आ रहा इसने गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल दिया। जले पर नमक लगाएगा तो ऐसा ही होगा ना, कहीं फ्यूचर बताकर मैंने गलती तो नहीं कर दी ना? तूने भविष्य नहीं भूतकाल बता दिया। मतलब के इसकी माँ को भी धमका चुका है वो? हाँ भाई। केके, अपना गुस्सा बचा कर रखो, कह रही हो माँ? जब बखत बुरा होता है ना तो गधा भी पहलवान हो जाता है, पूरा शहर तुम्हारे नाम से कांपता है, और ये रुतबा बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हासिल हुआ है। पर आज हमरे आदमियों को मारकर वो लड़का हमारी हुकूमत को ललकारा है, और यही वजह से मीडिया और पुलिस का नजर में वो लड़का हीरो बन गया है। तो इसके बाद हम कोनो छोटा सा भी गलती नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो लड़का और भी बड़ा हो जाएगा। अब तक तो वो यही समझ रहा है कि तुम्हारा लड़ाई गज्जू के वजह से है, अगर लड़की का बारे में पता चल गया तो मतलब भाई का भी गेम बच सकता है। उसका बात सच्चा है, उसको मामूली इंसान समझने का गलती बिल्कुल नहीं करना, वो एक बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, ताकत से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसको दिमाग से मारना होगा, और दिमाग कैसे चलाना है वो हम बताएंगे। अशोक, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाहती हो, मैं बदलूंगा या नहीं। तुम भी अपनी ये जिद छोड़ क्यों नहीं देती? मतलब मैं मम्मी की नहीं सुनता, पापा की नहीं सुनता, दोस्तों की नहीं सुनता, तो कम से कम भगवान की तो सुनो। अशोक, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, और जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। अरे मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी बदल नहीं सकता, उसके लिए तुम्हें जो सजा देनी है तो दो मुझे। मुझे तो बस इतना पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, करती हो ना? बेटा, तुम उधर
इधर जा, मैं इधर जाती हूँ। ठीक है। कौन हो तुम लोग? के सर, मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं किया। आपसे कोई जरूर गलती हुई है। मैं तो एक सीधा साधा इंसान हूं। तो अशोक को समझा दो। सर, ये क्या कह रहे हैं? तेरा बेटा हमारे रास्ते में आ रहा है। हम असेंबली में जाने वाले हैं और तुम्हारा बेटा हमको पब्लिक में ललकारा है, यहाँ तक कि हमारी मंगेतर से प्यार करता है। सर, अशोक पहले मेरा बेटा था, लेकिन अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। हम उसे नहीं जानते, बस इतना याद रखो, ओकरा पास जिए का ये आखिरी मौका है। अगर अब से वो हमारे रास्ता में आया तो उसको मरना ही होगा। इसलिए उससे कहो कि हमारे रास्ते में ना आए और कहीं दूर चला जाए। देखिए, ये आप लोगों के बीच की बात है, मुझे इसके बीच में मत डालिए। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ए, 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 ए। उसको पैदा करके तुम पहला गलती किए और हमसे जुबान लड़ा के दूसरा गलती कर रहा है। मेरा अशोक से कोई लेना देना नहीं है, आपने जो करना कीजिए। लगता है तुमको मारना ही पड़ेगा। अंकल। ए। हाँ। अंकल, डोनेशन दो ना अंकल। काहे खातिर? छोटा बच्चा के हार्ट के ऑपरेशन के लिए है, दो ना अंकल, प्लीज अंकल, उनकी जान बच जाएगी अंकल। थैंक्स अंकल, ये लीजिए चॉकलेट। ये काहे खातिर? आज मेरा बर्थडे है अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल, बाय बाय। बच्चा सब मुझे बिन बुलाए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसने बच्ची को मार दिया। तूने बच्ची को मार दिया? तू आदमी है या जानवर है? हाँ, जानवर हूँ। लेकिन इसे क्यों मारा? वो डिस्टर्ब की ना, जो भी बीच में आता है तबका देता हूँ। कोनो गैर का मरने से तुमको इतना तकलीफ हो रहा है? हा? हमको और मजा आता। अगर वो तुम्हारी बेटी होती तो मजा और बढ़ जाता। अगर वो तुम्हारी बीबी होती और तुमको मारने में हमको सबसे ज्यादा मजा आएगा। अशोक कहाँ है? क्या हुआ? अशोक है कहाँ? वो वहाँ पर है। अशोक, क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे पापा। पापा? पापा। पापा को क्या हुआ? तेरे पापा ने तुझे बुलाया है। हैं? तू सच कह रहा है? हाँ यार, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अशोक, अशोक, क्या क्या हुआ? अंजलि, अंजलि, पापा ने बुलाया है, मैं आता हूँ। पापा। राज, मेरे बुलाने का यह मतलब नहीं कि मैंने इसे माफ कर दिया। मुझे अपने परिवार के साथ शांति से जीना पसंद है और इसे गुंडागर्दी करके जीना पसंद है। इसने जो कुछ भी किया वो भूलकर मैं इसे एक और मौका देना चाहता हूँ। आज मैं जो भी कहूंगा इसको मानना पड़ेगा। ये मानेगा? आप जो कहेंगे सब मानेगा? ये अपने घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मैकेनिक का काम कर रहा है। ये रहा इसका अपॉइंटमेंट लेटर, दिल्ली में पोस्टिंग है, कल सुबह इसे ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। इसे सुधरने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं। अगर सच में बदल गया तो घर वापस आ सकता है। ये सुधर जाएगा अंकल, मुझे इस पर पूरा यकीन है। उसकी तरफदारी मत करो तुम। उसे यकीन दिलाना होगा कि उसे हमारी चिंता है। उसके बाद मैं खुद इसे अपने घर में बुलाऊंगा। उसे अच्छे से समझा दो।
अशोक बहुत खुश लग रहा है ना? हाँ अंकल। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अंजलि। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और हमेशा मेरी बात सुने। अब वो आपकी हर बात मानेगा। इसीलिए तो मैंने उसे दोबारा मौका दिया है। अगर इस बार भरोसा टूटा तो मैं खुद उसे छोड़कर चला जाऊंगा। अब कभी ऐसा नहीं होगा अंकल। अब ये खुशी जिंदगी भर रहेगी। अगर उसे खुश रहना है तो तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर जाना होगा। अगर उसे खुश रहना है तो तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर जाना होगा। अब इसके बारे में मुझे और कोई बात नहीं करनी। मुझे ये लव मैरिज और इस तरह के रिश्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो नहीं सुधरा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पापा का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एक ना एक दिन अंकल तुम्हें घर जरूर वापस बुलाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। देख लेना ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। कुछ दिन के प्यार को भूलने का दर्द इतना नहीं होगा जितना मुझे अपने 25 साल के बेटे को खोने के बाद होगा। जब तक वो दिल्ली नहीं चला जाता तब तक उसके साथ रहो, उसके बाद तुम चली जाना। तू हमें छोड़कर जा रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तेरी नौकरी भी तो कितनी दूर है ना, हम कहाँ और दिल्ली कहाँ। बेटा किसी से झगड़ा मत करना। माँ तुम परेशान मत हो। माँ अपना ध्यान रखना, फोन करना बेटा। हे, अब तुम्हें क्या हुआ? चलता हूँ। ध्यान रखना। चलता हूँ। बाय भैया। इतनी दूर? भाई अशोक की फैमिली यहाँ नहीं है, वो शहर छोड़ के चले गए। चले गए? शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं से भी ढूंढ के निकालो। हमको उस सबका लाश चाहिए। भाई यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता है। हेलो। हाँ छोटू बोला। गज्जू अपने आदमियों के साथ आया है और आपके बारे में पूछताछ कर रहा है भैया। हे, तू बाहर क्या कर रहा है? तू जल्दी से राजेश के घर के पास आ, जल्दी आ। हेलो हेलो, कौन है फोन पर? दे इधर। बोल जल्दी, अशोक कहाँ है बेटा? बोलना बोलना, ऐसे चुप क्यों बैठा है? बोलना छोटू अशोक कहाँ है, पैसा चाहिए। फिर तुझे बिरयानी मिलेगी। तुझे बाद में फिल्म दिखाऊंगा बेटा, बता देना अशोक कहाँ है। चल बेटा बता दे वो कहाँ है, तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, समझा ना बेटा, बता। कहाँ छुपा है वो, बोल। जल्दी बोल, बता। बोलता हूँ, मरने भी तुलाए। पता है अगर वो आ गया ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा, वो मार मार के भरता बना देगा। मेरा गला दबाता है, कायर कहीं का दम है तो भैया से लड़के दिखा। तेरे जैसे 100 आदमी भी आ जाए तो अशोक भैया के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। मेरे अशोक भैया डरते नहीं है तुझसे, वो असली मर्द है, मर्द। ए! गूरता क्या है, आंखें नोच लूंगा। दम है तो मुझसे मुकाबला कर, अशोक भैया तुझे यही बनाकर मारेंगे। ए! 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 ए!
का कातिल यही है, उनको इसी ने मारा था भैया, हमारे राज भैया को। इसे बिल्कुल मत छोड़ना भैया, मार दो इसे भैया, मार दो, मार दो, मार दो। अशोक, गलती हो गया हमसे, बहुत बड़ा गलती। उसको उस दिन ही मार देना चाहिए था, राजनीति और लड़की का पीछे नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। तो अब राजनीति छोड़ो और लड़की को भी छोड़ो, हमको उसका मौत चाहिए, मौत चाहिए उसका, जिंदा मत छोड़ना, जान ले लेना उसका। के हमको अशोक का कटा हुआ सर चाहिए, कटा हुआ सर चाहिए, समझे? हैदराबाद से सत्या का फोन आया था, उसका परिवार वहीं पर है भाई। भाई आपकी जानकारी एकदम सही है, उसके घर का पता चल गया है, कल उसकी बहन की शादी है, वो वहाँ जरूर आएंगे। अमू बाप बेटा का ड्रामा खत्म। दिल्ली से वापस आ रहा है। हम कहे थे ना अशोक दिल्ली से वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी, अच्छा नहीं किया, और तुमको कहा तुम ट्रांसफर करा के हमारी नजर से बच जाओगे। क्या किया उसने? उसने वो हमारा भाई को मार डाला, हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद हो गया, खो गया सब कुछ। हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। रात कब का है? 12 बजे का। 12 बजे का? अब तुम्हारी बेटी की डोली नहीं, तुम्हारे बेटे अशोक की अर्थी उठेगी। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो, बेटा को अपने पास ले आओ। चल मेरी बेटी को छोड़। साला पानी सर से ऊपर चला गया। याद रहे, अगर 12 बजे तक नहीं आया तो तुम्हारी बेटी की शादी हमसे होगी, बल्कि निकल जाएंगे। Ha ha ha!
तू अपनी माँ अपनी बहन सबको मार डालेगा। तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मर गया तू मेरे लिए। तू हमारा भाई को मार डाला, हमारा सब कुछ छीन लिया। बात है, आखिर तुम मरे खातिर आइए गया। तुम्हारा बापू नहीं चाहता कि तुम जिंदा रहो। ए, बहुत अच्छा काम किया, जैसा कहे थे वैसा नहीं किया। तुमसे हम बहुत खुश है। बहुत अच्छा। बिटिया के लिए बिटवा का कुर्बानी, इतिहास याद रखेगा। बचवा छोड़ दे उका। ए, छोड़ दे रहे उसको। ए, मत छोड़ मेरी बेटी को, मत छोड़। अपनी बेटी को जन्म देने से पहले मैंने शेर को जन्म दिया है। शेर है मेरा बेटा, यह अच्छी तरह जानता है, बहुत अच्छे से कि अपनी बहन को कैसे ले जाना है। अगर तुझमें दम है तो उसे रोक के दिखा। मैं इसे यहां अकेले छोड़कर जा रहा हूं। जो भी रास्ते में आए उसे काट देना बेटा। ए, 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 नीचे नीचे। तू क्या समझता है कि मैं कायर हूं? कायर तो तू है जो मुझे डराने आया था, लेकिन मैं कायर नहीं हूं। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं आज तक तुझे नहीं समझ पाया। तेरे लड़ाई झगड़े को हमेशा गलत समझता रहा, लेकिन आज मैं उसकी वजह को समझ पाया हूँ। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, मुझसे गलती हो गई है। जब इस दरिंदे ने तेरी बहन को अपने गंदे हाथों से छुआ तो दिल में आया कि इसका सर धड़ से अलग कर दूं। आज मुझे समझ में आया कि तुझ पर क्या गुजरी होगी। तेरा गुस्सा जायज था बेटा। जब इसने राज को मारा तो मुझे तुझे सच बता देना चाहिए था, पर मैं डर गया था बेटा, बहुत डर गया था, क्योंकि मैं माँ की तरह तुझे नहीं खोना चाहता था। पर अब समझ आ गया कि तू गलत नहीं था बेटा, नहीं था गलत। पापा, नहीं, नहीं। मुहूर्त में अभी आधा घंटा बाकी है, अपनी बहन को साथ लेकर आ जाओ और जो बीच में आए उसे शमशान पहुंचा देना। जो भी बीच में आए उसके टुकड़े कर देना। ए, चिल्ला मत। आज तुम मेरे बेटे का तांडव देखोगे, ये घर शमशान बन जाएगा। भाग सकते हो तो बच जाओगे। बहन के साथ जल्दी आना। तुम्हारी बहन को हाथ क्या लगाया? तुम्हारा बाप तुमको खुद यहाँ लेके आ गया। तुम्हारे बाप का ये हरकत से हम बहुत खुश हुए। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। ये बहुत अच्छा है तो उसको तुम्हारे ऊपर भरोसा है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को सब छुएंगे, कैसे बचाओगे? ए, शुरू हो जाओ बे। ए, एक मिनट रुक जा। बचपन से आज तक जब भी मैंने लड़ाई की मेरे पापा ने मुझे रोका। उनके मना करने पर भी मैंने कईयों को जहन्नुम पहुंचा दिया, पर अब तो पापा ने भी परमिशन दे दी है। पापा की कसम, सबको जहन्नुम पहुंचाऊंगा। बहन को जरा हाथ तो लगा।
सबके लिए हम सच्चाई परस्त, मदद करने वाले, ईमानदार, बचाने वाले, भरोसे वाले हैं। ये मैं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए जिसने भी पैसे लिए हैं तुरंत लौटा दो। हे, किसने लिया है जल्दी वापस कर दो। हे, सब लोग ध्यान से सुन लो, नागपुर वाले ने रिक्शे में पैसे छोड़ दिए, शायद तुमने नहीं लिया होगा। रेड को मालूम है पैसे ऑटो में ही है, इसीलिए यकीन से यहाँ आए हैं। रेड को पैसा देने के लिए बोला है, इसीलिए तुम सब दे दो। सारथी भैया, ये तो कुछ भी बोलेंगे, इसकी बात पर हम पे शक मत करो। भैया, अच्छा होगा जिसने भी पैसे लिए हैं आकर दे दो, अगर कल जरूरत पड़ेगी तो रेड ही आकर खड़ा होगा। आंटी, आप क्या बोल रही हो, हर गाड़ी में रेड की फोटो है, किसकी जरूरत होगी चोरी करने की। हाय, ये लो मैं आ गया, पैसे यहाँ है भाई। ये लो मैं आ गया, मैं आ गया भाई। कसम से मैंने चोरी नहीं की थी, ये रिक्शा में भूल गए थे। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, ये रहे पैसे, ये लो। तुम्हारा पैसा, तुम्हारे हाथ की लकीर का, तुम्हारे तकदीर का पैसा है, कोई छीन नहीं सकता, यकीन करो। भाई, आपका एहसान पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। ठीक है, चलो उठो। शुक्रिया भाई। ठीक है, जाओ। ए, तुम लोग भी काम पर जाओ। लेकर जाओ। ए, MH593397, मैं पांडे हूँ, बहुत होश में बोल रहा हूँ। मैटर, तुम क्या करोगे? सुबह सुबह कांदीवली बस स्टॉप पे जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जब तुम बस स्टॉप पे जाओगे, एक सुंदर लड़की मिलेगी, तुम चाहे जितना कहो वो नहीं मानेगी, पर तुम्हारा काम है कुछ भी कह के उसे अपनी गाड़ी में बैठाना। वो बोलेगी जबरदस्ती मत करो, बहुत चिल्लाएगी तो फिर कैसे बिठाऊंगा। अगर बीच में बोले ना तो यही ऑटो तुम पर चढ़ा दूंगा। ठीक है, उसे बिठा लूंगा।
गोरेगांव के पास ट्रैफिक कम होगा, वहां तुम्हारी गाड़ी बिगड़ जाएगी। नई गाड़ी है, कैसे बिगड़ेगी? अगर गाड़ी नहीं बिगड़ी तो तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। ठीक है, गाड़ी खराब होकर खड़ी रहेगी। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब पूछेगी। बिना कुछ जवाब दिए बल्ब को देखोगे। दिन के उजाले में बल्ब कैसे देखूंगा मैं? बल्ब को नहीं देखा ना तो तेरा फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, मैं देखूंगा। क्या हुआ, कितनी देर लगा रहे हो? फिर मैं आऊंगा। तो मैं भी आऊंगा। मैं उधर आऊंगा। तो उधर जा रहे हो? बेवकूफ, इंजन आगे नहीं पीछे है, वहाँ क्या देख रहे हो? आओ राजा, आगे क्या, अच्छा हुआ मुझे इस लड़की से बचाओ। मोहतरमा, गाड़ी खराब हो गई है। नहीं, नहीं नहीं, बल्ब खराब है, गाड़ी नहीं चलेगी। भाई साहब, मोहतरमा को कॉलेज छोड़ दीजिए। मीटर बराबर चलता है। अच्छा जाओ जाओ, लेकर जाओ, खुश रहो। ऑटो में क्या खराबी थी पता ही नहीं था, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। छे, मुझे इसकी हरकतें देख के लगता है कि इसका ऑटो का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। अपनी जुल्फों को सुखा लेती थोड़ा। अरे मैं जल्दी में थी, आपने देखा ऑटो वाले ने बदतमीजी से बात की मुझसे, मैं तो वहाँ बस का इंतजार कर रही थी। छोटी बिंदी की बजाय थोड़ी बड़ी बिंदी लगाई होती ना। बिल्कुल मधुबाला की तरह खूबसूरत लगती। मैंने कहा क्लास के लिए देर हो रही है, सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था, बस अपनी बकबक किए जा रहा था। पता है क्या कहा उसने, मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं है। मैंने जो बोला वो आपने सुना क्या? हाँ सुना, यही कि मेरी जुल्फे गिली है, बालों में गजरे और माथे पे बिंदी लगानी चाहिए। अगर आप शेव करवा कर और सफेद रंग की कमीज पहनेंगे तो आप बहुत अच्छे दिखेंगे, सही कहा ना? और ये सब पहनकर मैं जाऊंगा कहाँ? पूजा में। पूजा में मेरे घर पर बहुत से लोग आ रहे हैं, आप भी जरूर आइएगा। मैं इंतजार करूंगी। नमस्कार। ये लो। ये क्या, ये मुझे क्यों दे रहे हो? कमरे में जाकर उसे दे दो। एक फंक्शन में जा रहा हूँ, इसे पूछा कि तोहफे में क्या लूं। इस लल्लू ने कहा साड़ी दे दो, लो ले जाकर गायत्री को दे दो। तुम ही दे दो ना। मैं दूंगा तो वो नहीं लेगी, आप बोलना मैं लेकर आया हूँ। ऐसा कहूंगा तो यकीन ही नहीं करेगी। जाओ तो सही। जाओ जाओ। मामी जान, मुझे बताओ आपके कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। मामा जान क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कमाल करती हो मामी जान, 6 बच्चे कह रही और कहती मामा जान कुछ नहीं करते। अयो, सुनो, उस लड़की को मैंने हर जगह देखा है, बिजली के खंभे को उखाड़ कर बैठी है, ऐसा लग रहा है जब देखो दुखी रहती है, ऐसा क्यों? कौन? वही जो बीच में रखा। वो मीरा है जिन्होंने कृष्ण से मोहब्बत की थी, उन्हीं का इंतजार कर रही है। प्यार किया? कितने दिन तक? कितने दिनों तक? पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी? कृष्ण के इंतजार में ही शायद मीरा को खुशी मिल रही है, लेकिन पता है उनके अंदर कृष्ण के लिए जो दर्द है उसे कोई नहीं समझता। वो सब छोड़ो, मोहब्बत में इंतजार करना मना है और इंतजार करवाना भी। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो इंतजार करने में और करवाने में दोनों में मजा है। हेलो मनी, आनंद बोल रहा हूँ। हाँ फरमाइए ना सर। वो आदि कहानी कैसी चल रही है? बहुत उम्दा साहब, 2.5 लाख कॉपी से ज्यादा बिक चुकी हैं। पर वो आपकी और मेरी तनख्वाह कम है तो इसलिए। ये क्या कह रहे हो सर, 1 हफ्ते में 3 लाख की कमाई हो रही है।
डेढ़ लाख आप रख लीजिए, 1.5 लाख मैं रख लेता हूँ। ऐसा हो सकता है? होगा क्यों नहीं सर। क्या आप भी उनके बैंक के खाते मैं देखता हूँ साहब, उन्हीं के जैसे दस्तखत करके काम कर दूंगा। कहानी खत्म होने से पहले ही हम दोनों अमीर हो जाएंगे। सर वो एक छोटी सी गुजारिश है, ये बात हम दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा रहेगा सर, ताकि हम दोनों को तकलीफ ना हो सर। सही कहा ना सर? ये कैसी जुबानी है, वैसे तो ये मुझे माँ कहता है, शाम को जो मुंह में आए वो कहता है। अब आप ही बताओ भैया, अपनी माँ को कोई ऐसे कहता है भला? क्या घोटने पर बैठ। अब तुम ही बताओ बेटा, एक दिन जब इसकी तबीयत बिगड़ गई थी, मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए, इसे गोद में उठाकर मंदिर मंदिर फिरती रही। आज ये मुझे देखकर ऐसी बातें करता है कोई माँ से? रोज रोज शराब पीकर आता है, अरे एक दिन तू पीकर मर जाएगा पापी। सुना सुना क्या, इसे कहते हैं माँ, नशे में धूत घूमता है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी बन जा, लेकिन कभी सुकून की जिंदगी नहीं जी पाएगा, जान ले। तू अपने आप को समझता क्या है? अरे बेटा इसे मत मारो, बख्श दो इसे। अगर मैं मर गई तो तू ही मुझे कंधा देना बेटा। देखो माँ, तुम्हारा नाम दुर्गा माँ है, फिर क्यों रो रही हो? तू क्यों रुलाता है इसे? माफ कर दो रेड, ऐसी खता दोबारा नहीं होगी मुझसे। सुधर गया, आगे से ऐसा नहीं करेगा। ये लो देखो तो सही। चल अब तो तू मुस्कुरा दे माँ, अगर नहीं मुस्कुराई तो कल से खाना खाने नहीं आऊंगा यहाँ पर। जाना तू भी। चल खा। अरे खाना। क्या बेटी, 102 फॉरेनहाइट है, तुम इतना लेट क्यों आई यहाँ पर? डॉक्टर मुझे लगा दवा देने से बुखार उतर जाएगा। क्या बेटी, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ऐसी हरकतें करती हो? माफ कर दीजिए डॉक्टर, ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि खर्चा ज्यादा होगा ना। देखो बेटी गायत्री, मैं तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, ऐसी बात मत सोचो बेटा। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। घबराओ मत गायत्री, सिर्फ 2 दिन में ही इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर। सर क्या बात कर रहे हैं आप? कमाने का तरीका बता रहा हूँ, गायत्री की बहन लक्ष्मी की किडनी को एमपी की बेटी को लगाने का फैसला मैंने कर लिया है। सर वो लड़की आप पे यकीन करके? और कोई रास्ता नहीं है, 7 करोड़ का बैंक लोन दिलाने की बात कर रहे हैं वो, पैसों की जरूरत है, छोटी बातों से हॉस्पिटल बड़े लेवल पर नहीं जाते। सर वो आपकी बेटी की दोस्त की बहन है और किसी की? पागलों की तरह बात मत करो, एमपी की बेटी की हालत सीरियस है, आज रात को ही ये काम करना होगा। गायत्री को 500,000 देकर उसका मुंह बंद करवा देंगे। आज शाम 6 बजे ऑपरेशन का इंतजाम करो। चलो 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 निकलो 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 चलो 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 निकलो निकलो निकल निकल चल खाली करो रेड। Like.
तुम लोगों की जान ली है तूने, अब तुझे मरना ही होगा। दादागिरी है, कोई सवाल करने वाला नहीं है, इसलिए 30 सालों से हॉस्पिटल में ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई। अब तुम्हें क्या हो गया? एक साथ इतने मवाली हॉस्पिटल में आके इतना शोर शराबा करने की क्या जरूरत? मवाली कहीं के हाँ, ऐसे लोगों को पकड़ के ना सलाखों को पीछे डालना चाहिए, अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या हुआ गायत्री, इतना चिल्लाने की क्या वजह है? चिल्ला नहीं रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। किसकी? वही जो अपने आप को बहुत बड़ा मवाली समझता है। ओह रेड, मैं तो अपनी बहन को लेकर मानिक अंकल के पास हॉस्पिटल लेकर गई थी, यकायक रेड वहाँ पर आकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी। बहुत अच्छा है, वो जो डॉक्टर है ना वो बहुत ही नालायक किस्म का है। तुमने लक्ष्मी को वहाँ ले जाकर गलती की, मैं रहता तो उसे जमीन में गाड़ देता। उसी ने कुछ ना कुछ खता की होगी, इसलिए उसने हॉस्पिटल की मरम्मत की। एक बात जहन में डाल दो, अपना रेड है ना कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। आप उसका इतना साथ मत दीजिए, आपकी मोहब्बत ने उसे आसमान पे चढ़ा रखा है। सिर्फ मैंने नहीं पूरे गांव ने, और तुम्हारा क्या? पूरा हफ्ता उसी के बारे में कहती रही, कल ही तो कहा था तुमने वो बहुत नेक है। आज कह रही हूँ बहुत बुरा है, कल फिर कहोगी कि वो बहुत नेक है। हरगिज नहीं गायत्री, वो अपने परिवार की थोड़ी नहीं बहुत फिक्र करता है। उसे अहमियत देने की जरूरत नहीं है, उससे सिर्फ बात करिए, उसकी खैरियत लीजिए और यहाँ से दफा करिए। गायत्री बेटा, आप मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं तो वो नहीं कमा सकता, गलत कह रही हूँ क्या? मेरी बात सुनो बेटी, हर किसी की तरक्की के लिए खुदा किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है। अपने परिवार की तरक्की के लिए खुदा ने यकीनन रेड को ही चुना। बिल्कुल नहीं, अगर आपको लगता है कि रेड हमारा कल है तो आप गलत सोच रहे हैं, वो हमारा कोई नहीं है। भाई स्टेशन चलोगे? नहीं मूड नहीं है, मैं 50 रुपए दूंगा। पूर्णिमा का आदि को लेकर नजरिया गलत है। ये पूर्णिमा कौन है? अरे पगले, पूर्णिमा आदि को नहीं जानता, ले ले किताब और पढ़, जा जा। क्या हुआ, तुम क्यों शराब पी रहे हो? देखो रेड, अगर तुम्हें कोई गलत समझ ले तो खत्म कर दूंगा उसे। अगर मैं उसे खत्म नहीं कर सका तो दूर से ही पत्थर फेंक के भाग जाऊंगा, लेकिन आज पहली बार किसी की डांट सुनकर आया। किसकी? मेरी बेटी गायत्री। तुम्हें डांटा? नहीं नहीं, डांटा नहीं मुझे, तुमने कोई हॉस्पिटल तोड़ा ना। कौन सा हॉस्पिटल? चलो जाने दो, तुम रोज किसी न किसी को मारते हो इसलिए भूल जाते हो किसे मारते हो, किस लिए मारते हो, अभी भूल गए ना कौन सा हॉस्पिटल। अच्छा वो गलती किया इसलिए मारा उसे, इसमें कुछ गलत है क्या? क्या गलत सही मैंने पूछा, जिंदा दफना तो फर्क नहीं पड़ता। पहले नॉर्मल डिलीवरी करते थे लेकिन अब पेट काटकर सीजरिंग करके पैसा लूटते हैं, ऐसे जालिम बहुत है। कल से शुरू करते हैं, कल अमावस्या है, शुरू किया तो पूर्णिमा तक काम हो जाएगा। देखो तुम नेक हो या गुनाहगार वो समझती नहीं है, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। समझेगी। ये कितने का है? ओरे 50 रुपए का। 50 रुपए? अरब देश से लाया हुआ नारियल है, 1 पैसा भी कम नहीं होगा। आप सब लेकर जाओ, 5 पैसे भी मत देना, सब लेकर जाओ। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है रे। ले लो, सब अपने ही बंदे। ले लिया। आज हमारे इलाके के मंदिर में कैसे? बिल्कुल नहीं, मैं आपके इलाके में नहीं आई हूँ, मंदिर आई हूँ। अरे इतना तेज बोलोगी तो कैसे चलेगा, वैसे भी शुरू से ऐसा ही चल रहा है। चलो खातिरदारी का मौका तो दो, टी कॉफी सोडा ठंडा। नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं। से कुछ पसंद नहीं है या फिर जो बोल रहा है वो पसंद नहीं है? आदि को ठीक तरह से मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता, पसंद है क्या कहने पर वो खुश हो बैठा। उसे समझ में आया ही नहीं तो समझने तक पीछा करता रहेगा। अच्छा है कि आदि ने पूर्णिमा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। तुम्हें क्या लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे? पढ़ी लिखी लड़की है ना, समझ लेगी। गुलाब का फूल देखकर चंगेज खान की तरह आई लव यू बोले तो आज की लड़कियां ही प्यार को समझती हैं, समझे? मुझे यकीन है वो अगले मुलाकात में अपनी मोहब्बत का इजहार करके ही आएगा। पेपर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए तूने? प्रसाद ले लो। प्रसाद है? कहाँ का प्रसाद? तिरुपति कुंदन का प्रसाद है, मैथ में अच्छे अंक मिलेंगे, हिंदी में भी लिखोगी,
पास हो जाओगी ऊपर वाले की कृपा से। ए गायत्री, आज सब कुछ अलग ही हो रहा है। समझ नहीं पा रहा हूँ, सांस रुक रही है मेरी। क्या? ये प्रसाद बालाजी के मंदिर का है, ये खाकर पेपर लिखोगे तो पूरी तरह से पास हो जाओगी। क्या है ये प्रसाद? अब समझ में आया। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो? ये सब आपकी हरकत है ना? चलो कुछ बात करनी है। मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पा रही हूँ। उस दिन मंदिर में मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। तुम उससे खफा हो गया? क्या कहा? सभी कहते हैं आप गुंडागर्दी करते हो, तो आपको गुस्सा नहीं आता? सुबह सुबह अखबार देखो तो किसी को गोली मार दी, कोई जेल चला गया, बस यही सब खबर है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम नेक इंसान बनकर रहो, मुझे बहुत खुशी होगी। रेड, राधा कृष्णन वहां बैठा है, शाम से शराब पी रहा है, यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। नमस्ते जी। ए रेड, आओ रेड। कितने दिनों से आदत लगी? अभी 2 दिनों से। किसी से मोहब्बत हो गई क्या? बराबर बोला रेड, बैट बॉल स्टंप इन सब से प्यार करता हूँ। अगर उन चीजों से मोहब्बत है तो एक नहीं 4-5 ले ले, ऐसे क्यों पी रहा है? जिंदगी खराब हो गई रेड, इसलिए पी रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी मैच मैं नहीं खेल रहा, और 2 दिन बाद मैच होने वाला है, और वैसे भी मैं 30 साल का हो गया, इसमें भी नहीं खेल पाया तो मेरी जिंदगी खत्म है। रेड, आने वाली 15 तारीख को मेरे घर आ जाना, मैं मरा मिलूंगा रेड। मुझे बैट स्टंप के साथ जला देना रेड, तुम्हारा खर्चा होगा, बहुत खर्चा होगा रेड, मैं मर जाऊंगा रेड। हाय, फोन दो ना। नंबर क्या है? 18 36 52 56 27 54। अरे आराम से करना। हेलो, तुम्हारा नाम छटा छत्री है क्या? ये नाम क्यों दिया तुम्हें? वो मैं अपने घर की छठी औलाद हूँ ना, इसलिए मेरा नाम छटा छत्री है। कैसा लगा? क्या कैसा लगा? अगर 9वें नंबर पे पैदा होता तो? कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसा सवाल नहीं पूछते। ऐसे सुकून में कैसे सो सकता है? तेरे किचन में गैस लीक हो रहा है, बंद करके सो जा। अरे सुनो, गैस लीक हो रही है। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, सो जाओ ना। अरे भगवान, वो गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, किचन की गैस लीक हो रही है। तुम्हारा बेटा जो वॉकमैन सुन रहा है उसे बंद किए बिना सो जा। सिलेंडर को बंद नहीं किया तो फटेगा, वॉकमैन को बंद किया तो फटेगा। सिलेंडर बंद किया? सिलेंडर बंद कर दिया। जरा वो देखो, तुम्हारा बेटा माइकल जैक्सन कितना झूम रहा है। अच्छा सुनो, उसका वॉकमैन बंद नहीं होना चाहिए, सुबह तक उसकी रनिंग चालू रहनी चाहिए, वरना वो बंद हो जाएगा और मेरा क्या होगा? नाम राधा कृष्ण है, उसे क्रिकेट टीम में शामिल कर लो। क्या कहते हैं उसे? जी वो कंजी कॉपी। रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में खेलने का मौका दो, नहीं हुआ तो होना ही चाहिए, वरना छोटा छतरी को और छोटा कर दूंगा। अरे अपना काम चालू कर। सुनो कृष्णा, जनाब तुमसे मिलना चाहते हैं। रणजी ट्रॉफी में 11वें खिलाड़ी तुम हो। हाँ, अरे वाह। सर आप सच कह रहे हैं, पर मेरे बदले में सनी बॉल को ले लिया था ना सर। अरे उस फनी बॉल को छोड़ो, कैप्टन को मैंने 12वां खिलाड़ी बना दिया है, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। ये लो इन कागजों पर दस्तखत कर दो। ये लो करो जी। राधा कृष्णा, इसके लिए इनकार मत करना, वरना हम बम की तरह फट जाएंगे।
जनाब जनाब ये! आप यहाँ कब आए? अभी आया। अच्छा खाने में क्या है? टमाटर की चटनी, बीन्स की सब्जी, बीन्स की भाजी, टमाटर की चटनी और क्या? सांभर। सांभर भी बनाई है, चटनी भी बनाई है। अच्छा वो सब नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? ये मच्छी को फ्राई करो ना। ची ची ची, ची। पता है इतनी इतनी बड़ी मछली लेकर आया, ची 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 ची। और मुझसे मुझसे कह रहा है कि फ्राई करके दे दो। उसे फ्राई कर दो ना। दांत तोड़ दूंगी मैं, फ्राई करके दूंगी। चल तू ही दे। ची ची, मुझसे ये सब नहीं होगा। कमिश्नर साहब, रेड का सपोर्ट करने वाले कुछ मजदूर हैं, कुछ चाय वाले हैं, ऐसे ही लोग हैं। आप एक काम कीजिए, उनको उठा के फेंक दीजिए। हाँ ठीक है। ज्वाला भाई, हमारी दुकान हटाकर वहाँ बस स्टॉप बनाने जा रहे हैं। हमने पूछा तो कह रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे। हमारा क्या होगा भाई, हम कहाँ जाएंगे? मदद करो भाई। भाई चाय की दुकान वाला, कबाड़ वाले सब ने कब्जा कर रखा है, ऐसा बोलकर उन्होंने मामला दर्ज किया है। भाई कुछ मदद करो भाई। पुलिस से जिन्होंने मार खाया, दुकान खाली किया, जेल में चले गए, वो सब तुम्हारा इनाम ले रहे बेटा, वो सब तुम्हारा इनाम ले रहे बेटा। रेड, सिद्धि विनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर के पास से फूल वाले को मार के भगा रहे हैं। ऐसे सब गलत काम कर करके हम सब भले आदमी को भगा रहे हैं। मेरा खून खोल रहा है रेड। उसने प्रेशर में आकर ये हरकत की है। कमिश्नर को सबक सिखाओ, वो ही ऐसा कर रहा है। जो छूने की कोशिश करेगा उसकी जिंदगी छीन लूंगा। करना ही होगा भाई। You have to be very alert. Understand? Yes, sir. Please go. Please. वर्दी में जंच रहे हो, भाषण भी अच्छा करते हो, हाँ? हाँ, पता है? मिनिस्टर से मैं नहीं कहा था कि रविंद्र पाटिली चाहिए यहाँ पर? हाँ। तो मैं अब 6 महीने हो गए हैं, मेरा काम करते रहना, हाँ? ये बात नहीं सर, आपका मसला बहुत बिगड़ गया है। रेड का जिसने भी साथ दिया उसे अंदर कर दिया। सुबह से कोई खाना नहीं खा रहा है, ऊपर से खुदकुशी की धमकी, इसलिए भेजा घूम रखा है। रेड जो है ना, फुसकी बम है। जब भूख लगेगी ना, खुद खाना मांगेंगे, फिक्र मत करो। नो, हम ऐसा नहीं सोच सकते। तो क्या सोच सकते हो? रेड को बुलाकर बात करनी होगी। सुनो पाटिल, कुछ लोगों को सरमार की जुबान समझ आती है, हा? हाँ कर लो बात हाँ? उसके बाद मुझसे आकर मिलना। हाँ? हाँ, हाँ, हाँ। पूरे शहर में आग लगी है, पता है ना? जलाया तो आपने है ना? आई नेवर से दैट। कानून को कायम करना है, कुछ भी कदम उठाया गलत है क्या? आपकी वजह से गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बीच सड़क पर होटल चलाते हैं, फूल बेचते हैं, भाजी बेचते हैं, उससे आवाम को कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। रास्ते में खाना बेचने वाला, फूल भाजी बेचने वाला, ये आवाम है। 100 करोड़ लोग लड़कर ही जी सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? धंधे को खत्म मत करो, झूठा केस मत बनाओ। कहां पर दुकान चलानी चाहिए, कहां पर धंधा चलाना चाहिए, इसके लिए एक रूल होता है। आपके रूल के हिसाब से 1 लाख एडवांस देने का और ऊपर से 1000 रुपए भाड़े का। तो फिर बीच सड़क में गुंडागर्दी करेंगे। तुम इस मामले में मत पड़ो। क्यों? उनकी मदद तुम कर सकते हो ना, बैंक में जामीन से दस्तखत करके पैसा दो, वो धंधा करेंगे। हम सबके लिए दस्तखत करते बैठे हैं क्या? ये हमारा मसला नहीं है। तो उनके नसीब के साथ तुम कुछ मत करो, समझे? रेड, तुम्हें यहाँ फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया। दिस इज कमिश्नर ऑफिस। इसलिए तहजीब से बात कर रहा हूँ। तुम क्यों नहीं बात करोगे? बोझा उठाने वाले, रिक्शा चलाने वाले सब तुम्हारे साथ जो हैं। हाँ, मेरे पीछे खड़े सारे लोग मेहनती हैं, सच बोलने वाले हैं, लोगों का भला करने की सोचने वाले हैं। गलती से भी जुर्म नहीं करते हैं ये लोग, दूसरे के पैसों की हवस नहीं है, धंधे में जान देने वाले, परेशानी में मुस्कुराने वाले। ये गरीब चोरी नहीं करते, अनपढ़ है पर ईमानदार है, ये जान लेना। ये सब जानने की जरूरत नहीं, इस फसाद की वजह तुम्हारे लोग हैं। ये साबित करने के लिए मैं कोई भी कदम उठा सकता हूं। कदम? हाँ? 307 कत्ल का मसला, 3 साल आदमी को उठाना, 363 7 साल बलात्कार करना, 376 10 साल
ऐसे कुछ भी मामला बनाकर आप लोग ही कागज तैयार करते हैं ना, ये आप करो या किसी और की बात मानकर करो, एक बात जहन में बैठा लो, आप जो तनख्वाह लेते हो वो बोरी उठाने वाले का पसीना, मजदूरी करने वाले की चीख, मेहनत करने वाले का खून है। इंसाफ करो। तुम जैसे लोगों पर केस करने के लिए कागज बर्बाद करने की जगह गोली मारनी चाहिए और केस खत्म। क्यों धमकी दे रहे हो? गांधी जी को खौफ होता तो आजादी नहीं मिलती। अगर भगत सिंह को फांसी का खौफ होता तो हमें आजादी मिलती क्या? मुझे किसी का खौफ नहीं है कमिश्नर साहब, जिन्हें खौफ है उनसे कहिए। कमिश्नर साहब, हम सब घासलेट में जलते दिए हैं पर पहाड़ी के ऊपर रहते हैं, बुझाने की गलती मत करना, जलकर खाक हो जाओगे। कमिश्नर सर, जब तक हमें जवाब नहीं मिलता हम कहीं नहीं जाएंगे। कमिश्नर, प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? उस तरफ। तुम यूनिवर्सिटी में अव्वल आओगी ऐसा हमने तो सोचा था, तुमने सोचा था कि नहीं पता नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी में आज तक इतने अच्छे मार्क्स लेकर कोई भी पास नहीं हुआ है। मुझे तुम पर नाज है, तुमसे ज्यादा तुम्हें जिसने पढ़ाया है उसका ये कॉलेज शुक्रगुजार है। तुम गरीब परिवार से हो फिर भी तुमसे कह रही हूँ, इतने ज्यादा मार्क्स लेने के बावजूद 5,000 या 10,000 वाली नौकरी करने से बेहतर है थोड़ी सी मेहनत करके पैसे खर्च करके US में हायर एजुकेशन के लिए चली जाओ, तुम्हें वहाँ अच्छी पोस्ट की नौकरी भी मिल जाएगी। नहीं, मैंने इतनी तालीम हासिल कर ली इतना ही काफी है मेरे लिए, इससे ज्यादा मैं पापा और परिवार वालों को तकलीफ नहीं दूंगी। आप समझ रही हैं ना मैम, फौरन जाने के लिए वक्त बहुत कम है, तुम अपने पिता से बात करके जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगी। एक काम करो, बगल में ही अलीबाग है, वहीं जाके शिफ्ट हो जाओ, किसी और को तलाश लूंगा मैं। सर, तो बताइए क्या करूं? एनकाउंटर, यही एक रास्ता है, उड़ा दो। अगर तुमसे ना हो तो सरकारी बंदूक मुझे दे दो, मैं कर दूंगा। क्यों, क्या हुआ, खौफ हुई? सोच लिया, एनकाउंटर कर दूंगा। पैसे जमा किए ताकि भविष्य में काम आए, लेकिन उन्होंने धोखा देके कंपनी में ताला लगाया और गायब हो गए। तुम ही बताओ अब कहाँ जाएं? पुलिस स्टेशन गए तो उन लोगों ने हमें अदालत जाने की सलाह दे डाली, अदालत जाएंगे तो तारीख पे तारीख देकर जीते जी मार डालेंगे। हम गरीबों ने अपना पेट काट कर जो बचाया है वो सब उन्होंने हड़प लिया और हमारे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। खुदकुशी कर लो, 1 रुपए के बदले 4 रुपए चाहिए थे ना, अब भुगतो सब लोग। भैया, हाँ रेड, चिट फंड में पैसे डालोगे तो कार देंगे, सोने के सिक्के देंगे, मंगलसूत्र देंगे, घर देंगे, ये वादे किए होंगे तभी पैसे डाले। यकीन गया भाड़ में, लेकिन जाकर उनसे सवाल पूछो तो सही, 1 करोड़ पे 10 लाख कमीशन लेकर बैठा है वो सिद्धी। हाँ रेड, हाँ, हमारी मदद करो बेटा। देखो, अगर हमारे साथ कोई हादसा हुआ तो तुम ही हमारे मददगार हो, हम इतनी देर से बोल रहे हो और तुम चुपचाप खड़े हो, हमारी मदद करो रेड, हम गरीब किसके पास जाएं? तुम्हें पैदा करने वाली, तुम्हें बड़ा करने वाली सिर्फ एक ही माँ है क्या? यहाँ सभी औरतें सब तुम्हारी माँ बहनों जैसी हैं, तुम्हारी आँखें इनकी मजबूरी नहीं देख रही, हम भीख मांग रहे हैं, आओ बेटा आओ। भैया, रेड अंकल, अगर आप नहीं आए तो हमें मजदूरी करने जाना पड़ेगा। रेड, हम जिस भगवान की पूजा करते हैं उसके 10 हाथ होते हैं, उसके हाथों में 10 हथियार भी होते हैं, हम जिस काली की पूजा करते हैं वो अपने पैरों तले शैतानों को खत्म कर देती है, तो तुम क्या सोच रहे हो? रेड, ये लोग यकीन के साथ हमारे पास आए हैं, मदद करो इनकी, नहीं तो मरने के लिए छोड़ दो। चलो, Yeah.
गरीबों को बेवकूफ बनाते हो, चलो। रेड, क्या है, बार बार रास्ते में क्यों आते हो? बार बार तुम लोग गलत काम क्यों करते हो? तुझे जितना पैसा चाहिए तू बोल, लेकिन मेरे बीच में मत आ। तू मुझे पैसों के तराजू में मत तौला कर, समझ गया? जिंदा दफना दूंगा। पैसे चुकाने के लिए ब्याज भरना पड़ेगा तो दूसरा धंधा करेंगे ना? ये धंधा तो तबाह हो गया, अब क्या करूं? नुकसान दिखाकर लोगों के पैसे हथियाते हो, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। इन लोगों के पैसे लौटा दो। पेड़ पे उगते हैं, नहीं दूंगा, क्या करेगा? चुपचाप उनके पैसे दे दो वरना मुझे और कुछ करना होगा। नहीं तो क्या करेगा? मारेगा क्या? मारेगा मुझे? मारेगा? चीर के रख दूंगा, सोच लेना तुम। 5 साल में जमा किए पैसे 5 साल में मिलते हैं, चल जा निकल अब। ओए, ऐसे कब लौटाओगे ये नहीं पूछा तुमसे, कब लौटाने हैं ये बताने आया हूँ। रेड सबको एक वक्त मुकरर करता है, बारिश रुकने तक। दे दूंगा भाई। आज से किसी पर आंख बंद करके यकीन मत करना। बहन जी, क्या है ये? खून पसीना बहाकर पैसे कमाए जाते हैं, चलो जाओ लेकर जाओ। यहाँ आकर बहुत जबान चल रही है, वहाँ आंसू नहीं रुक रहे थे। रेड्डी, आज बहुत दिनों के बाद जाकर दिल को बहुत सुकून मिला है। क्या हुआ? बदल जाओ कहकर वो चली गई। ये मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे। तुम कभी मत बदलना। किसने कहा कि ये गुनाह है? देखो देखो इन गरीबों को, एक नेक बादशाह की तरह तुम इन पर हुकूमत करोगे, इनके दिल में हमेशा रहोगे। ए, इत्मीनान से जाओ तुम लोग, तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अपना रेड है ना, तुम्हारे साथ हम सब लोग हैं। भगवान आपका भला करे, तुम हमेशा ऐसे रहना। शुक्रिया। पैसे को रहने दो रेड, रेड हमारी मदद बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, सबकी जिंदगी बचा, सबकी जमीनें वापस करा दी है। चिटफंड कंपनी में जो भी धोखाधड़ी हुई मैंने जो भी सजा देनी मुझे, अगर कानून के खिलाफ। ये बेवकूफ है, सब कुछ मैंने किया, मुझे अरेस्ट नहीं, नहीं मुझे हिरासत में लीजिए। भैया, तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया। रेट, तुम एक नेक इंसान हो, मैं पहचान नहीं सका। तुम पर एनकाउंटर किया, तुम्हारे आदमियों को बिना वजह सलाखों के पीछे डाला, मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। अगर मेरे पास कोई शिकायत करने आता है तो वो मुझे लेनी होगी। कल तुमने एक मसला हल किया है, वो चिट फंड का। ये तुमने अच्छा किया, तुम्हें तोड़ने की सोच रहे थे। रेड, कभी टूटना नहीं, बदलना मत तुम। अगर तुम बदल गए तो आवाम तकलीफ में आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन है।
मिस्टर रेड, अपनी जिंदगी में आज तक मैंने बहुत लोगों को सल्यूट किया, बट टुडे हैट्स ऑफ टू यू। मेरा तबादला कर दिया इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। कायदे और कानून के दबाव में आकर आज तक मैंने कितने ही गलत कदम उठाए हैं और वो मुझे कचोट रहे हैं। तुम्हारे जैसे सिर्फ दो लोग चाहिए जो डिपार्टमेंट को बुलंदी पर ले जाएंगे। तुम्हारे जैसा मेरा कोई भाई नहीं, इस बात का मुझे अफसोस है। बदलना मत, कभी मत बदलना। गॉड ब्लेस यू। चलता हूं, कभी बदलना मत। चुने गए सभी पाठकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। वक्त बहुत कम है, इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। हेलो, आधे घंटे में फोन करना, डिस्टर्ब मत करो। मैं राधा कृष्णन। मैं राहुल। जानता हूँ सर, आप ही राहुल ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन हो, आपके बारे में सब जानता हूँ। मेरे बारे में काफी जानते हो, कुछ बात करनी है तुमसे। आओ नारायण, क्या है, कुछ नया है क्या? कुछ नहीं, रेड पल्ली स्वामी का बेटा, सेल्वी गायत्री का पिता, फेमस चना बेचने वाला नारायण आया है। बातों में कैसे बहला रहा है तुम्हें? अरे शादी का कार्ड छपे बिना ही शादी के बारे में कैसे बात कर रहा है, देखो। हाँ ठीक है, बात क्या है बता। कुछ नहीं, थोड़े दिनों में गायत्री आने वाली है, तो उसके लिए तुम ही हो, फैसला हो गया है ना, शादी करनी है ना, तारीख देखनी है। ठीक है बैठो। नहीं ठीक, बैठो है। ना नहीं नहीं चलेगा, बैठो, बोला ना। अब मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, पिछले हफ्ते बॉस्टन यूनिवर्सिटी में तुम्हारी बहन गायत्री को देखा। अच्छा। कैंपस इंटरव्यू में वही अप्लाई थी। वहाँ की पढ़ाई खत्म करके गायत्री मेरी कंपनी की पूरी जिम्मेदारी संभाल ले, मेरी खुशनसीबी होगी। ये तो मेरी बहन की खुशनसीबी की बात होगी। ए चने की दुकान, मेरी बात सुन, तुम शादी के नाम पे सिर्फ मंगलसूत्र दिखाकर चार लोग को सिर्फ खाना खिलाकर भेज दोगे क्या? दहेज के बारे में भी कुछ बोलो। जान दे दूंगा, मेरी जान दे दूंगा। सुना क्या? असल में गायत्री, शी इज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, इसके साथ ही वो बहुत खूबसूरत भी है। मेरी कंपनी में जीम बनने से अच्छा है वो मेरी जिंदगी बन जाए, मेरा नसीब चमक जाएगा। क्यों नारायण, तुम इतने दिन यहाँ आते जाते रहे हो, अब क्या घर में रहने का इरादा है? बात ऐसी है, सब खुदगर्ज है, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे प्यार करती है। पता नहीं क्यों तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो, अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो मुझे खुश रखोगे ना? थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अरे आनंद सर, आओ हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ तो सही। एक बड़ी खुशखबरी है। क्या सर? आज रेड की मंगनी हो गई घर पर। रेड, नारायण, सारथी और उसके छोटे भाई ने मिलकर गायत्री के वापस आने के बाद निकाह करने की बात पक्की कर ली। ये बात सर, लेकिन उसके भाई राधा कृष्णन ने तो उसका रिश्ता किसी बड़े खानदान में तय किया है। कोई फैसला इस फैसले के आगे नहीं टिकेगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? जो बेहतर है वही होगा। वो कैसे? हमारे पास अच्छे पाठक भी हैं और रेड नेक इंसान है, ये निकाह तो होकर रहेगा। आनंद जी, गायत्री के वापस आते ही हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। इसके साथ चिकन भी अच्छा लगेगा। अमेरिका से जल्दी गायत्री वापस आने वाली है, वो आते ही उसकी और रेड की शादी हो जाएगी।
पंडित बोल रहे हैं कि तारीख नहीं मिल रही है, इसलिए मैं हाथों हाथ लेकर घूम रहा हूँ। एक बार रेड की शादी हो गई ना, तुम्हारी कहानी तो खत्म। मेरी भी एक बात सुन ले, रंबा रख ले, उर्वशी रख ले, मेनका भी रख ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पर सिर्फ मुझे, सिर्फ तुम्हें, सिर्फ मुझे, सिर्फ तुम्हें, सिर्फ मुझे, बोलो सिर्फ तुम्हें क्या बोलो सिर्फ तुम्हें। कमिश्नर इस्तीफा देकर चला गया है। चला गया? कमिश्नर ही चला गया ना, मेरी जिंदगी तो नहीं गई। मैं हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना। वही 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 क्या हुआ? रेड 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 मतलब आग, आग मतलब दंगा। तो जला देंगे। चला दो उसे, चला दो। उसने कहा था बारिश रुकने से पहले पैसे दे दो। अब जो मेरी मर्जी होगी वही होना चाहिए। फूंक डालो, खत्म करो, जाओ जाओ जाओ। रेड कौन है ये रेड है? बहुत आग उगल रहा है। मैं सिंधी हूँ। पिताजी। क्या हुआ? पिताजी। क्या है? गाना क्यों बंद किया? ये क्या, जब मैं गाना सुनती हूँ तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता और अभी आप झूम रहे हैं? मैं गाने की वजह से नहीं झूम रहा हूँ, मेरी बेटी आने वाली है इसलिए झूम रहा हूँ। ये पहन लीजिए अभी। क्या है ये? ये भैया ने, लोकल ने पहनने के लिए कहा। नहीं, है पिताजी आपको पहनने के लिए कहा। अरे ची जाओ यहाँ से। ये पहनेंगे तभी एयरपोर्ट जाएंगे, पहन लीजिए ना पिताजी। देखो एयरपोर्ट कैसे जाना है मुझे सब पता है। एयरपोर्ट ड्यूटी मैनेजर मुझसे ही चना लेकर खाते हैं। पिछले हफ्ते क्या हुआ पता है? एयरपोर्ट के 3 पायलट को चने बेचे हैं मैंने। ए सुनो, किसे बुलाना है, एयरपोर्ट कैसे जाना है मुझे सब पता है, जाकर कह दो। बिना कुछ जाने सब पता है कहने वाले पहले शख्स हैं आप। किसको? रेड को बुलाना चाहते हैं, है ना? हाँ, कहा ना? मवाली के साथ घूमते हो। छी, आपको कुछ भी हो सकता है पता है। ए, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और मेरी एक बात सुन ले, क्रिकेट तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे पीछे विकेट किसने खड़ी की, हाथ में बैट किसने दी वो भी नहीं पता। किसने दिया? अरे जा रहे बेटी, 6 बजे तेरी दीदी फ्लाइट से उतरते ही बाउंसर डालने वाली है, एक ही बॉल में आउट होने वाले हो, हेलमेट पहनकर तैयार हो जाओ। मच्छर मारने की गाड़ी आ रही है, उसी धुएं के अंदर उसे जला देंगे। चल रेड, वो हम दोनों को देखेगी तो खुश हो जाएगी। जाते वक्त झगड़ा हुआ था, आते वक्त खुश होकर आती होगी। अरे सर, नारायण को सिंधी के लोगों ने बीच सड़क पर जला दिया। रेड की डेट है। नारायण, पुलिस को लगता है कि इसकी वजह रेड है और उसे गिरफ्तार करके ले गई है। गायत्री कितने बजे आ रही है? रात के 11 बजे। इसके बारे में पेपर्स खलास हो गए हैं सर।
एक्सक्यूज मी, ये कौन है? सर ये नारायण का लड़का है, इसका नाम है राधा कृष्णा। क्या सर, दिखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हो सर, क्यों मवाली के साथ अपने पिता को घूमने देते हो? अच्छा ये कौन है? ये मेरी बहन गायत्री है, अमेरिका से आई है। क्या सर, कितने डिसेंट लग रहे हो, ये सब आपको शोभा देता है? पापा ने परेशानी उठाई, अब मैं उन्हें खुशियां देना चाहती थी, पर आपकी वजह से ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उन्हें बीच सड़क पे जला दिया गया, उन पे जरा भी रहम नहीं आया। मानती हो इस बात को? उन्हें आप ही ने मारा है, आप खूनी हैं, मुझे पता है ये सब आपकी वजह से हुआ है। वो भले मेरी बेटी हो पर है तो एक औरत, पढ़कर वापस आते ही तुम्हें अलविदा कह दे तो तुम सह सकोगे? तुमसे ज्यादा तुम्हारी बेटी को मैं अच्छे से जानता हूँ। आप ही ने मारा है उन्हें। जाओ जाओ यहाँ से। क्या कहा गायत्री ने, उसे कैसे पता कि वो खूनी है? ये देखो, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर को, ये लोकल पुलिस कमिश्नर को और ये आनंद को, इस कहानी को पढ़ने वाले सब यहाँ आने चाहिए, तब गायत्री को सच का पता चलेगा और मोहब्बत की जीत होनी चाहिए। क्या सर, जो हो रहा है उसे ही हम लिख लेते हैं ना सर? पागल हो, जो आंखों के सामने बेगुनाह है उसे खूनी कह रहे हो, नजरों के सामने सच है तो झूठ नहीं लिख सकता, और जितना लिखा काफी है, चलो पुलिस स्टेशन। सर 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 एक मिनट, मुझे गलत मत समझिए, जो कुछ चल रहा है उसे अपने रास्ते पर चलने दीजिए, आप इसके रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट डालने की कोशिश मत कीजिए। लिखिए ना सर। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। सर बेवकूफी और पैसा दोनों अलग चीजें हैं, आपको लिखने के बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं सर। नहीं चाहिए मुझे पैसे। सर आप आती हुई लक्ष्मी को ठुकराइए मत सर। अरे कहा ना नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे बहुत से कमिटमेंट्स हैं, लिखा नहीं तो यही होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मुझे माफ कर देना सर। हेलो हेलो, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। पूर्णिमा सेफली आ गई ना सर, आदि को देखा आपने? और शादी का पैसा? ए चुप बैठो तुम, वो क्या कहते हैं, वो मनी संगम है ना, वो नारायण का कैरेक्टर, उसे चलाकर खत्म कर दिया। मतलब पूर्णिमा से आदि नेक इंसान है ये हकीकत बताने वाला भी चला गया? हाँ बिल्कुल, लेखक भी सच बोलने के लिए निकल पड़े। निकल पड़े नहीं तो क्या, उस बूढ़े को मार कर बेहोश करके गोदाम में बंद कर दिया है। सर तो कहानी मैं लिखने वाला हूँ। क्या आप? लेकिन सर ये कैसे होगा? सर सर क्या आप हंस रहे हैं सर? हेलो हेलो, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल हकीकत बयां कर रहा हूँ। आदि की कहानी बाजार में हफ्ते हफ्ते आती रहती है, तकरीबन 15 लाख लोग उसे पढ़ रहे हैं। उसमें सिंधी मतलब आपका नाम बदलकर कलिवर्धन रखा है, नारायण के मरने तक इसमें आपका नाम लिखा है। 5 बीवियों के बारे में भी लिखा है, चाहे तो पढ़ लीजिए। पैसे चाहिए क्या? हकीकत मिटानी है ना। किसने लिखा है? मनी मेगले ने, रेड के घर के गोदाम में मैंने उसे रखा है। आप उसे मार दो और मैं उनकी मौत को हादसा बता दूंगा, मैं आपका वफादार बन के रहूंगा। उस्ताद को धोखा देने वाला तो मुझसे वफादारी करेगा? Oh!
उस राइटर को उठा लो। अपने आदि का साथ देने वाला मणिभूषण को मार दिया। कलिवर्धन का काम है। लेकिन मनी मैंगले आनंद सब कर क्या रहे हैं? अरे यार, इस हफ्ते तो कहानी ही नहीं आई। आप उनसे नहीं मिल सकती। को अरेस्ट करना आपका काम है ना? मैडम देखिए, मेरी बात सुनिए, उस भीड़ में रेड ने ये काम किया है, इसका क्या सबूत है आपके पास? ये कौन से गांव में हो रहा है? हमें खबर नहीं है, वरना हम उसकी मदद करते। आदि को कातिल कह रहे हैं ये लोग। अभी तक हमारे लेखक की कोई जानकारी नहीं मिली है सर। सर, बहुत सारे पाठकों के फोन आ रहे हैं, खत आ रहे हैं कि आदि है कौन, किस गांव का है, उसका पता लगाना होगा। अरे, अब आदि का कैसे पता लगाएंगे? कौन है, किस गांव का है, मैं देख लूंगा। सर, हमारे पास जो डिटेल्स है वो पुलिस को इत्तला कर दे। तुम नो, पत्रकार कुछ भी कर सकता है, करके दिखाना है। ये एक जर्नलिस्ट तहकीकात का काम है। हाँ, 48 आवर्स, सिर्फ दो दिन, 2 days। मैं क्या समझे? आदि, पूर्णिमा के याद में दीवाना, मैं इनको हर हाल में एक करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अकबर के घोड़ों के कदमों से उठी हुई धूल नौजवानों की जंग का है ऐलान। शाम होते ही मंत्रियों की बैठक, प्रेमियों की उमंग को दबाने की कोशिश। मदहोश करता ये महानगर सांझ को गुलाब की तरह महक उठा। ये मदुराई है। सर, आप किसे मदुराई कह रहे हैं सर? प्यार, खुशी, नफरत और जंग, ये 3 लफ्ज तो पहले ही लिख लिए हैं। सारे पाठक वैसे है कहाँ? सर, तिरुपति घूमने के लिए गए हैं। सबको मदुराई आने को कहो। लेकिन वहां क्यों सर? माता रानी के दर्शन के लिए। सब शांत हो जाओ। जहाँ ये कहानी घट रही है वो जगह ही मदुरई। हम जो भी पाठक हैं, हम सभी को पूर्णिमा और आदि को देखने के लिए मदुरई बुलाया गया है। ये हमारे आनंद विकड़िन में कहानी के तौर पर आ रही है, लेकिन ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। अब बीच में ही कहानी रुक जाने की वजह से पाठक पूछते हैं कौन सी जगह है, कौन सी जगह है ये। इस बात का जवाब हासिल करने के लिए मैं मदुरई आया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप सच कह रहे हैं या कहानी बना रहे हैं? विश्वास नहीं हो रहा सर। हमारे सर के पास भला वुमेन्स हीरा, फेमिना, मिस इंडिया, आनंद, विजडम, ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है। इनकी दुनिया तो बस ऑफिस और कंप्यूटर। सर, आपको क्या मदद चाहिए, बोलिए सर। कोई बात नहीं सर, छोटी सी उम्र में हमारे आदि को उसकी प्यारी माँ गली के नुक्कड़ पर झूले पर झूलता छोड़कर चली गई। अच्छा, तो कोई ना चलने वाला रथ है यहाँ? जी 4-5 हैं। 30 सालों से एक ही जगह पे खड़ा रथ? वो पांडियन की मूर्ति के पास है। यस, वही, मैं वही सोच रहा था। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपके आदि वहां होंगे क्या? जहां रथ है वही होगा हीरो हमारा। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि एक्सक्यूज मी सर,
मेरा नाम सिद्धार्थ बासु है, आनंद वेगड़म से। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। यहीं रहकर लेखक मनी मेघले एक कहानी लिख रहे थे, समझा ना? यहाँ इस रथ को उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया था, ऐसा कुछ लिखा था। ऐसे किसी को आप जानते हैं? नहीं जानता। मैं पूछ रहा हूँ ना, कदा कहेगा सर। क्या है कि वो एक लड़की से हद से ज्यादा मोहब्बत करते थे, उसके लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, उसे पढ़ने के लिए अमेरिका तक भेज दिया उन्होंने। ऐसे किसी आदमी को जानते हो आप? वो हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही अल्फाज बोला करते थे वो। वो भी मैं नहीं हूँ, आदि भी मैं नहीं हूँ। सर, 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 सुनो, पुलिस स्टेशन कहाँ है? उसके पास जादुई आंखें हैं ना? भैया, गायत्री से शादी करने वाले लड़के के रिश्तेदार मिले, उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो लोग पूछताछ करने आया है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस वो खुश रहे। ए, तू रो क्यों रही है? तूने उस लड़के को देखा है और तुझे पसंद है ना वो? मैंने नहीं देखा, पर उन्होंने मुझे देखा है। गायत्री, तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं तो अपने भाई से तुरंत कह दो ना। सुना है वो बहुत रईस है, इसीलिए तू उससे शादी कर रही है? मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ गलत कर रही हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आनंद विकड़न से। नमस्कार। माफ करना, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, इंटरव्यू नहीं दे सकता। इंटरव्यू वगैरह नहीं चाहिए। ये बताइए, बीच सड़क पे किसी को जलाकर मारने की कोई शिकायत आई आपके पास? कौन क्या क्या याद रखता है, यहाँ हर रोज मरते हैं, हर रोज जलते हैं, क्या क्या बताऊँ मैं सर, जुर्म बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, मैं जो पूछ रहा हूँ वो उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो 45 साल। शायद किसी औरत के बारे में पूछ रहा है सर। आप किसी औरत के बारे में पूछ रहे हैं? देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आदमी है, आप समझ नहीं रहे हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ ये समझ नहीं रहे सर? प्लीज सर, आप बैठिए, 10 मिनट में बताता हूँ सर। प्लीज सर बैठिए सर। कौन क्या क्या करता है सब बताता हूँ सर। आनंदपुर पुलिस स्टेशन, मणिरत्नम है क्या? हाँ, हाँ, नारायण सर, उस आदमी का नाम नारायण है। नारायण, यानी मणिवास अधम। आपका नारायण मेरा मणिवास अधम है, जो चना बेचता था, चने के साथ चाय भी बेचता था। तो वो लड़की भी अमेरिका? अभी अमेरिका से आई है। वही बात है भाई, उसका कोई खिलाड़ी है, कोई स्पोर्ट्स खेलता है, किसी क्रिकेट खेलता है, बहुत कमाल है सर। यस, नारायण को जलाने के जुर्म में किसे गिरफ्तार किया था? रेड अभी भी पुलिस स्टेशन में है। गलती कर दी आपने, कलीवर्धन को गिरफ्तार करना था। कंफ्यूज कर रहे हैं आप, कौन है कलीवर्धन? ये एमएलए इलेक्शन से लेकर एमपी इलेक्शन तक हारने वाला, गैम्बलिंग से ब्लैक मार्केटिंग तक सारे बुरे काम करने वाला, उसकी 5 बीवियां हैं सर। उसका नाम सिंधी है सर। गिरफ्तार कीजिए उसे। नहीं नहीं सर, वो बहुत बड़ा आदमी है सर, ऐसे उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर ऊपर से फोन आया तो? फिर तो हो जाएगा सर। तुम लोग मेरे साथ बहुत रहे, अब तुम लोग कहीं चले जाओ। क्या कहा, कहीं चला जाऊं? आप भी और ये सब भी, यहां से कहीं चले जाओ। तुम लोग कोई अच्छा सा धंधा करो और सुकून से जियो। और हां, जाते वक्त ये मूर्ति को भी लेकर जाओ। भैया, ये परमय भी मेरी तरह यतीम है, इसे भी लेकर जाओ। नहीं होगा। मैंने कहा जाओ तो जाओ, पहले जैसा यहां नहीं रह सकते, यहां सिर्फ बेइज्जती है।
वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरी वजह से आप क्यों? बस आप लोग यहां से जाओ। जाओ जाओ, कहां चला जाऊं मैं? मेरी लाश ही जाएगी। पता है तुम्हें, हम पांच लोग एक साथ रहते हैं, हम में से कोई भी मरा तो चार लोग जनाजा उठाएंगे, बीच में कोई दूसरा नहीं आएगा, कोई आएगा भी नहीं। अरे इतने प्यार से कौन मुझे भैया कहकर बुलाएगा? बोलो, तुमने मुझे इतना खुदगर्ज समझ रखा है कि हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? रेड, मैं तुम्हारी जात वाला हूं, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, सब कुछ जानते हुए भी चले जाने को कह रहा। मैं तुमको छोड़कर जाऊंगा तो बाहर जाते ही जहर पीकर खुद की जान ले लूंगा मैं, लेकिन कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे पता है सब लोग मुझे दफनाने को कहेंगे ना, लेकिन तुम मुझे जला देना रेड, जला कर मेरी अस्थि को अपने आंगन में डाल देना। तुम जब भी चलोगे ना, तब मेरी राख तुम्हारे पैर के साथ होगी। इसके साथ जाओ, उसके साथ जा मत कहो, मेरे साथ रहो ऐसा कहो। मैं तो ठहरा यतीम, मुझे देखने के लिए भी कोई नहीं है। ए, चुप कर, हम साथ रहेंगे और साथ मरेंगे, समझ गया? रेड, हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, अपने माथे पर लगे हुए दाग को तुम्हें मिटाना होगा, तभी हम यहाँ से जाएंगे। एक दिन के लिए नहीं, सिर्फ एक सेकंड के लिए पुराने रेड बन जाओ, और जिसने तुम्हारी बेइज्जती की उन सभी को तुम अपना जलवा दिखा दो। सही कहा, हमारे दोस्त नारायण को सिंधी ने जान से मार डाला, उस सिंधी को एक ही बात में खत्म करते हैं, चाहे हम रहे या ना रहे, उसके खून का इल्जाम हम अपने सर पर लेकर हम सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ये ठीक कह रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। गायत्री की शादी होने से पहले नारायण के खून के बारे में सिंधी को आकर बोलना होगा कि ये खून मैंने किया है, उसके बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे।
सीने पर मारने के बजाय पीठ पर वार किया। मर्द हो तो छाती पर वार करना चाहिए। सर ये देखिए यही सिंधी है सर। सर लेखक ने बोला इसे देखने के लिए, लेकिन ये तो मेरे पड़े हैं। अरे जो काम होने वाला है उसे देख। कांस्टेबल जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ। अरे मनी भाई आप यहाँ कैसे? सच बोलने की कोशिश की तो मुझे सिंधी ने बंद कर दिया यहाँ पर, और आनंद ने भी उसका साथ दिया। अच्छा अच्छा, वैसे कलिवर्धन का क्या हुआ? सर पहले हमें गायत्री की शादी को रोकना होगा। ठीक है, शादी है कहाँ? विजय विवाह मंडप में। ठीक है आप आइए। हेलो हेलो। हाँ सभी पाठकों को लेकर शादी के मंडप में पहुँचो। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। क्या हुआ भाई? लेखक ने सभी पाठकों को विजय विवाह मंडप में बुलाया है। सभी पाठक शादी के मंडप में आ रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आइए। यही है गायत्री, हमारे गुस्से की पूर्णिमा। हम कौन है आप नहीं जानती, पर विकडन में आने वाला रेड का नाम आदि और गायत्री का नाम बदलकर पूर्णिमा रखने वाला, तुम्हारे बारे में कहानी लिखने वाला राइटर मैं हूँ। आनंद विक्रम सिर्फ 6 रुपए का, पर उसके अंदर रेड और तुम्हारे बारे में पढ़ने वाले लाखों लोगों की जान उसी के अंदर है। ये तुम्हें नहीं पता होगा, तुम जान गई होगी ये सब कौन है। आनंद विक्रम ये कहानी पढ़कर सच को बयां करने के लिए ये सब लोग यहाँ आए हैं। पिछले साल मई के महीने में रेड का पीछा जब पुलिस कर रही थी तो वो तुमसे टकराया, पहली नजर में तुमसे मोहब्बत हो गई। ये सभी लोग जानते हैं, ये लोग यहाँ खड़े हैं, तुम चाहो तो पूछ सकती हो। मैडम मेरे घर में बहुत गंदगी है और मैं यहाँ शांति से नहीं रह पाऊंगी, यही कहा था ना मैंने। कहानी को पढ़ा था, उस कैरेक्टर का नाम है कुमरा शाह और हकीकत में उसका नाम है कुंती, जिसे सिर्फ तुम्हारी वजह से 20 सड़क पर बुरी तरह से मार के भगाया गया। ये सब करने वाला हमारा आदि और तुम्हारा रेड था। हॉस्पिटल तोड़ दिया करके अब सोच रहे हो कि ये सब गलत है। अगर उस दिन रेड नहीं आता तो आपकी बहन की किडनी निकाल कर वो डॉक्टर बेच देता था। आज आपकी बहन जिंदा है तो सिर्फ रेड की वजह से। क्रिकेट में जगह नहीं मिली तो तुम्हारा भाई रो रहा था। अगर वो बड़ा खिलाड़ी है तो जानती हो किसकी वजह से? सिर्फ आदि की वजह से। हमारा आदि, तुम्हारा रेड। तुम्हारा अमेरिका जाकर पढ़ने का ख्वाब था, इसलिए उसने जान से प्यारे घर को बेचकर तुम्हारे वालिद को लाखों रुपए दिए थे और खुद सड़क पर सोता रहा, और इसका तुम्हें एहसास भी नहीं होने दिया। तुमने खुद कहा था तुम्हें रेड का रिश्ता मंजूर नहीं, लेकिन तुम्हारा खिलाड़ी भाई रेड से कहता है कि जिस अंपायर ने मुझे गलत आउट दिया उसका हाथ काट दो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानती हो उसकी वजह कौन था? तुम। सीधे साधे इंसान बनकर जियो ये कहकर तुम तो अमेरिका चली गई, लेकिन यहां क्या हुआ ये तुम क्या जानो।
सारथी यहाँ अपाइज हो गया। उसका छोटा भाई चाय की टपरी पर काम करता है। मुरली और उसके दोस्तों को एक वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही थी। ये सब क्यों हुआ जरा सोच कर देखो। रेड तुम्हें दिलो जान से प्यार करता है, ये सच है। और इस सच को जानने वाले बस दो ही गवाह थे, एक तो था नारायण और दूसरा तुम्हारे घर आए गुलाब के फूल। और कोई गवाह है? हम हैं। तुमने देखा ना, मेरी कहानी पढ़ने वाले गवाह हैं। ये सच है और तुम्हें रेड को अपनाना होगा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदगी देने वाले को तुमने खूनी समझा। आज मुंबई में रहने वाले हर एक यतीम और बेसहारा का वो वालिदा है। तुमने उसे तब्दील होने के लिए कहा, ये नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो मैं भी कहता हूं कि सच्चाई मर जाएगी। किसी के निजी मामले में हम पत्रकार लोग बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करते, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि तुम सिर्फ उसी से शादी करो। लेकिन रेड एक अच्छा इंसान है। तुम्हें कितना चाहता है जानती हो तुम? आज अगर तुमने किसी और के साथ शादी कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि मेरा लिखा हुआ आदि रेड जिंदा नहीं बचेगा। चलो। रेड तुमसे मोहब्बत करता है ऐसा उसने मुझसे कभी नहीं कहा। तुम्हारे पिता नारायण पर वो जान छिड़कता था, फिर वो नारायण को क्यों मारेगा? तुम्हारे भाई ने शिकायत की, ठीक है, लेकिन तुमने उस पर यकीन कर लिया? मेरी बात गौर से सुनो, तुम जिसे गुंडा समझती हो उस रेड के लिए सिर्फ ये जान की लड़ेगी। अगर तुम फिर भी नहीं समझी तो ठीक है। रेड चलो, हमारी बात मान जाओ, हटो, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, मैं ना, चलो मेरी बात मान जाओ, रेड, रेड मेरी बात मान जाओ, ए ऊपर वाले, चलो, रेड अपना ये बेशकीमती अश्क बताओ। लेखक ने तो हकीकत ही लिख डाली, मगर उनके असिस्टेंट ने उनका मन बदलने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था और गायत्री को इस सच्चाई के बारे में पता नहीं चलने दिया। नहीं नहीं नहीं, अब कोई सवाल नहीं, प्लीज, बस बहुत हो गया, अब कोई सवाल नहीं, प्लीज डोंट क्वेश्चन। हाँ, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है। हाँ, जाइए जाइए।